आप सबका शौर्य विवेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मेजर रुद्रशीष मजूमदार है, who is an ex-army officer, served in the Indian Army for 7 years, alumni of prestigious RIMC, RIMC Dehradun, NDA Khadak Wasla, IMA Dehradun. इनके CV पे वो हर चीज है जो एक aspirant wish करता है, और इनको आपने movies में भी देखा होगा। He has already worked in Chichore alongside Sushant Singh Rajput. He has also been part of many TV commercials, Lost web series, many TV news channels interviews, and he's also slated to come in the upcoming movie Jersey with Shahid Kapoor. So first of all, Major Rudrashi, सबको बहुत-बहुत स्वागत है। और Hi sir, thank you. I envy everything which you have. ठीक है, मतलब everything, मतलब I think even if I can become 5% what you've achieved, it will be great. And हर aspirant करीबन 33,000 followers है इनके Instagram पर, और ये मतलब he is now an actor, but इसका मतलब ये नहीं है कि NDA aspirants को guide नहीं करते हैं। NDA, CDS, IMA, AFCAT, मैं इनके पेज को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ये हर एग्जाम से पहले, हर पीओपी से पहले एक वीडियो बना के डालते हैं, राइट गाइडेंस देते हैं, विच इज मतलब वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपने एक्टिंग करियर के अलावा। सो वो है ना कि फौजी को फौज से बाहर निकाला जा सकता है, बट फौज फौजी से नहीं निकल सकती है, नहीं निकल सकता, करेक्ट। ठीक है, तो पहला सवाल ये कि रिमको का जो एग्जाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनी आईएएस एग्जाम, व्हाट वाज द मोटिवेशन टू डू इट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ डिड यू डू इट? इतना मतलब इतनी प्रिपरेशन कैसे करी आपने, और इतना मोटिवेशन कैसे था, खासकर ऐसे कि ज्यादातर बच्चों में 11th 12th में दे वांट टू एनडीए वाला आता है, इतनी कम एज में रुद्रशी से कैसे हुआ? आई थिंक ये सवाल मुझसे, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, ये सवाल मुझसे पहली बार पूछा गया। सबने मुझे यही पूछा कि एनडीए की तैयारी कैसे की, एनडीए कैसे क्लियर किया। नोबडी एवर आस्क्ड कि आरएमसी कैसे क्लियर किया। आरएमसी इज टफर, दे माइट नॉट नो, बट आरएमसी, मैं बाकी सारे दर्शकों को बता दूं, वो आरएमसी एग्जाम इज फादर ऑफ एनडीए एंड प्रोबेबली मदर ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन। बहुत मुश्किल होता है, मैं क्लियर कर दूं, आरआईएमसी एग्जाम के अंदर जिसकी ट्रेनिंग आपकी देहरादून में होती है, एक स्टेट से एक बच्चा सेलेक्ट होता है। सो दीज आर चोजन फ्यू व्हिच गॉट सेलेक्टेड, और इसीलिए 6th 7th में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एंड दैट इज व्हाई इसे मिनी आईएएस एग्जामिनेशन बोलता है। और ये 6th 7th से वो रगड़ा खाते हैं जो एनडीए में 3 साल और पढ़ता है, और उसके बाद आईएमए में ये 6th से 9th और 10th प्रॉपर से ऊपर नीचे उतरने लग जाते हैं। तो प्लीज बताइए, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप बताइए। हाँ, मैं आपको पहली बात तो ये, जैसा इन्होंने बोला कि क्लास 8 से हम लोगों का रगड़ा स्टार्ट हो जाता है, सो आई विल टेल यू वन थिंग इन अ जिस्ट की व्हाट आरएमसी इज। आरएमसी इज बेसिकली दे सिलेक्ट द क्रीम ऑफ द नेशन एंड देन दे फोकस ऑन मेकिंग देम लर्न क्रीम रोलिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्रीम को लिया है तो उनको क्रीम रोल में बदल दिया जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। एंड पहली बात तो मैं, ऐसा है कि दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसीलिए क्योंकि जब मैं ये बताऊंगा, मेनी पीपल विल रियलाइज कि एग्जाम प्रेशर क्या होता है। एग्जाम प्रेशर एक ऐसा चीज है जो यू नो दैट इज व्हाट सेपरेट्स समवन हु क्लियर्स इट एंड समवन हु डजंट। ठीक है, तो एग्जाम प्रेशर बहुत मैटर करता है, और मेरा ये आरआईएमसी का जो क्लियरेंस भी है, इसको सुन के ज्यादा डिमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि मैं सच बात बताऊं, मैं RIMC का प्रिपरेशन, मतलब इट वॉज अ बिग थिंग, बट आई नेवर थॉट दैट इट वॉज अ बिग थिंग। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पापा थे, सो बेसिकली वन ऑफ माई ग्रैंड फादर ही इज इन द आर्मी, सो बेसिकली ही इज नॉट माई ओन ग्रैंड फादर, वो मेरे एक दादी से उनकी शादी हुई है, तो ही इज डिस्टेंट रिलेटिव, बट आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग अप टू हिम। मतलब मैं हमेशा I used to consider him like, you know, कि ये इस बंदे में कुछ अलग है, मतलब कभी भी, you know, whenever we had this get together, he was like, he is different, अलग इंसान है। So he told my father about RIMC, and तब उन्होंने बोला कि, you know, इस बच्चे में दम है कि वो RIMC कर सकता है। Correct. So then मेरे पापा ने मुझे बोला कि यार ऐसा ऐसा entrance exam है, तो तुम दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, दे देता हूँ। अब मेन चीज ये कि आरआईएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, और उसके बाद वाईवाउसी जो कि आपका इंटरव्यू होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मैथमेटिक्स, मेरा बचपन से वैसे ही अच्छा था, आई वॉज वेरी गुड एट इट।
सो आई वाज आई मीन आई वाज रियली गुड एट इट एंड इंग्लिश मेरा ठीक ठाक इसीलिए था क्योंकि मेरी इंग्लिश टीचर बहुत सुंदर नहीं सॉरी इसलिए नहीं था मतलब इंग्लिश टीचर सुंदर थी वो अलग बात है लेकिन इंग्लिश इसीलिए अच्छा था क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में भी था मैं सो आईसीएसई बोर्ड इज बिट बेटर इन इंग्लिश देन सीबीएसई मतलब ऐसा आईसीएसई वाले सोचते हैं मैं बोलूंगा नहीं वरना सीबीएसई वाले नाराज हो जाएंगे मैं दोनों बोर्ड कर चुका हूँ आई हैव बीन इन आईसीएसई आल्सो आई हैव बीन इन सीबीएसई आल्सो सो अब क्या हुआ कि मैं एंट्रेंस एग्जाम जब देने गया आई जस्ट प्रिपेयर्ड अ बिट मतलब जो मेरा मैथमेटिक्स बेसिक था मैंने वही प्रिपेयर किया मैंने इंग्लिश किया बिकॉज मेरे पापा ने कभी यू नो ही जस्ट सेड दैट यू जस्ट अपीयर फॉर द एग्जाम एंड यू जस्ट सी फॉर योर सेल्फ कि कल को कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है तो हाउ इट फील्स दैट्स इट तुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है यू डोंट हैव टू क्लियर इट यू जस्ट गो एंड गिव इट मैंने सोचा ठीक है यार अब जब दे ही रहा हूं तो थोड़ा कर लेता हूं तो मैंने सिलेक्ट होने के लिए नहीं किया बिकॉज माय पैशन वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड आई वाज डूइंग इट वेरी वेल इन कोलकाता सो आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन आरआईएमसी मेरे लिए आरआईएमसी जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो यार कर ही लेते जब कर ही रहे हैं तो वो इंटरेस्ट से किया एंड देयर वाज नो प्रेशर यही मैं बोल रहा था एग्जाम प्रेशर था ही नहीं मतलब क्रैक करने का वो जुनून वो जज्बा वो टेंशन नहीं था कि यार नहीं किया तो क्या हो जाएगा आई वॉज लाइक ठीक है यार दे रहा हूँ एग्जाम नहीं भी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हो गया तो बाद में देख लेंगे वैसे भी मुझे और मेरे पापा ने बोला कि तुझे जाना भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं तो मैंने सोचा हो गया तब भी यू नो इट्स एन ऑप्शन तो आई वेंट फॉर द पेपर मैंने मैथ्स पेपर दिया मेरा मैथ्स पेपर अच्छा गया एंड मुझे याद है मैथ्स में मैं मतलब जो अगल बगल में थे थोड़ा उनको भी हेल्प कर रहा था मेरा मैथ्स मतलब आई कुड सॉल्व इट इजिली लेकिन फिर जब जीके की बारी आई जिनको मैं हेल्प कर रहा था उन्होंने बताया नहीं मुझे तो ये ध्यान रखना एग्जाम में जाके उन्हीं की मदद करना जो तुम्हारी वापस मदद करे ठीक है ये भी बहुत बड़ी सीख है क्योंकि जब मैंने उनको जीके में पूछा कि भाई ये वाले का बताओ तो फिर मैं तो बता रहा था तुमको मैथमेटिक्स में तुम तो यार बड़े बेवफा निकले तो ऐसा होता है ये चलो जोक सपाट तो उसके बाद क्या हुआ कि आई As soon as my maths paper was over, मैं बाहर आया मेरे पापा इतने मस्त इंसान he was like कि तेरा maths paper कैसा गया मैंने बोला हाँ मेरा ठीक ठाक ही गया तो बोलता है कि तू अगर ज्यादा टायर्ड हो रहा है बोर हो रहा है तो छोड़ एग्जाम इंग्लिश विंग्लिश रहने दे डोंट वरी अबाउट आरआईएमसी लेट्स गो बैक चल अच्छा सा लंच करते हैं घर चलते हैं तो मैंने बोला यू सी 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 द वे ही डील्स विद थिंग्स ही इज लाइक कि यार कोई दिक्कत नहीं तू छोड़ आधा दे दिया ना तेरा मैथ्स अच्छा गया ना कोई बात नहीं अब चल तो मैंने बोला नहीं नहीं अब मैथ्स दे दिया तो ठीक है आप तो दे ही देता हूँ अब इतना दूर आ गया सो बेसिकली क्या होता है मैथ्स एंड जीके इज ऑन वन डे एंड आई थिंक इंग्लिश वाज ऑन द अदर डे काफी साल पहले था सो टू डेज एग्जाम होता है तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार दे देता हूँ तो पापा ने बोला ठीक है अब तू बोल रहा है तो दे दे मैं बैठ जाता हूँ मैं भी यहाँ बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि चल घर ही चल जाते हैं मैंने बोला नहीं नहीं अब इतना दूर आ गया हूँ आप घूम के आओ मैं दे देता हूँ एग्जाम बोला ठीक है सो यस जीके में वही मैंने बताया लोगों ने बताया नहीं लेकिन फिर भी देखो मैं आरआईएमसी पहुंच गया वो नहीं पहुंचे तो सो सो आई गेव माय जीके एग्जाम एंड देन इंग्लिश था इंग्लिश भी मेरे को ठीक ठाक ही लगा बट इंग्लिश में आई फेल्ट कि मैं और अच्छा कर सकता था तो मुझे लगा कि चलो ये इंग्लिश और मैथ्स मिला के शायद पॉसिबल ना हो सो यू नो अब होता है ना कि You can prepare for anything. You can do everything that you want to do. Sometimes it's also luck. Luck बहुत बड़ा factor है. And that I believe in because your preparation is what you do. But that extra factor comes in कि वो जो ऊपर वाले के हाथ में होता है. आप बस कुछ भी कर लो. वो अगर वो जो छोटा सा game खेल जाते हैं ना उसी में आपका life बदल जाती है. Correct. तो you know result came out. And मेरे पापा went to see it in you know writers building में result निकलता है so he was like कि ठीक है जाके देखते हैं तो उन्होंने नीचे से देखना start किया कि यार कहीं तो नाम होगा था नहीं तो he was like यार इसका तो नाम ही नहीं आया कोई दिक्कत नहीं हो सकता exam ही ना clear किया फिर he was like कि चलो एक बार ऊपर से देख लो कितने लोग select हुए हैं so when he saw my name was at the second place first guy was विकास सिंह करके एक लड़का था So he cleared it. He was first in West Bengal and I was second. Pura state mein. Ab RIMC ka dekho ek maza hai. Har state se ek hi banda ja sakta hai. And Vikas Singh also joined RIMC. Vikas Singh is my course mate.
वो भी एनडीए गया एंड ही इज ऑल्सो एन ही वॉज ऑल्सो एन ऑफिसर ही पास्ड अवे ड्यू टू सम प्रॉब्लम. तो उसके बाद क्या हुआ कि विकास सिंह गॉट इन टू आर आई एम सी एंड आई डिड नॉट एंड आई वॉज लाइक सेकेंड एंड माई डैड वॉज वेरी हैप्पी कि यार तूने इतना अच्छा किया है, बहुत बड़ी बात. बट दैट्स वेयर लक केम इन. आर आई एम सी का एक रूल है, आप किसी भी स्टेट से हो, इफ अ स्टेट अंडर परफॉर्म्स दे विल नॉट गिव दैट सीट टू दैट स्टेट, नहीं देंगे, वो किसी और नेक्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट को चला जाएगा. ओह वेरी नाइस. सो बेसिकली अगर आप बोलेंगे, अगर मैं ये बोलूंगी आई क्रैक्ड आर आई एम सी, नो आई चल डिड वेल इन आर आई एम सी, बट वही बोला ना लक फैक्टर है, लक ने मुझे क्रैक करवा दिया एंड यू नो आई गॉट दैट कॉल. आई वॉज इन द रिजर्व बट देन दे सेंड मी द लेटर कि यार इसका ज्वाइनिंग वगैरह है. सो आई गॉट इट एंड दैट इज हाउ आई क्लियर आर आई एम सी. तो मैं आई वॉज सेकेंड इन आवर मेरिट लिस्ट बट ड्यू टू सम स्टेट नॉट डूइंग वेल वेस्ट बंगाल गॉट अनादर सीट एंड आई कुड ज्वाइन आर आई एम सी. सो दैट इज हाउ आई क्लियर. तो मैं आपको यही बताऊंगा, मुझे लगता है मैं जब वहां पे गया था ना, हाँ तो मैं जो आपने बोला ना मिनी आईएएस, मैं जब वहां के बच्चों को देखा ना, तो मैंने सोचा भाई इतनी उम्र में इतना टेंशन मैं कहाँ आ गया हूं. मेरे मम्मी पापा ने तो ये सिखाया नहीं कि इस एग्जाम के लिए इतना टेंशन देना है, मैं तो बहुत पीछे छूट गया, ये तो बहुत सीरियस है, इनको देखो ये बात भी ये कमरे से निकल के भी डिस्कस पेपर कर रहे हैं. अब मुझे है कि ये पढ़ा हुआ है कि पापा समोसे खिला लो, चलो थोड़ा पैटीज खा ले, मेरा तो फोकस ही गलत है, ऐसे तो मेरा नहीं होने वाला. तो मेरे को ऐसा लगा था, क्योंकि क्या होता है ना जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो दैट बिकम सो हेवी, क्योंकि 200 बंदे यही डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जितने बंदे आए एग्जाम के लिए सब यही है कि अरे यार तेरा ये आंसर क्या था, शायद ये नहीं था, और आपको लग रहा है यार मैं कहाँ फंस गया, मैं तो इनके जैसा कुछ नहीं हूं और इनमें से तो कोई क्लियर करेगा, हम तो यार चलो कोई नहीं हम तो पेपर ही दे देते. बट दैट इज आई थिंक वेयर द डिफरेंस कम्स. यू नो सम पीपल आर टू मच फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, दे आर टू मच वरीड अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड दैट इज वेयर आई थिंक आपके ना कुछ भी बोलो यही चीज आपका फर्क पड़ जाता है. वो जो टाइम लिमिट देता है ना, मैं अगर किसी को भी पेपर दे दूं कि ये लो पेपर 10 दिन में सॉल्व करके ले आओ, कोई भी कर देगा, बट ये लो पेपर 2.5 घंटे में करो, वो तब मैटर कर जाता है जब आप में कोई प्रेशर ना हो, आपका हाथ ना जल्दी चलने लगता है, True, इट true, true. मूव्स फास्टर, योर ब्रेन वर्क्स फास्टर, प्रेशर रहता है तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट. रुद्र, सो ये सेम इशू दैट्स उसमें भी है, जो बच्चे एसएसबी में जाते हैं, सर बस रेकमेंड करा दो रेकमेंड करा दो, दे फॉरगेट टू परफॉर्म इन द प्रोसेस. उनके दिमाग में बस है रेकमेंड 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 रेकमेंड. एंड या ये बच्चे, हाँ आई बोलो थिंक बोलो. एसएसबी में ना, एसएसबी में सब इसीलिए जाते हैं कि दे वांट टू बी बेटर देन द अदर पर्सन, बट करेक्ट करेक्ट दे फॉरगेट दैट एसएसबी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट पर्सन, एसएसबी इज करेक्ट लुकिंग करेक्ट फॉर समवन हु वर्क्स टुगेदर टू मेक अ बेटर टीम, नॉट करेक्ट, नॉट अ बेटर एब्सोल्युटली करेक्ट, परफॉर्मर. मतलब मुझे अच्छा नहीं करना है, मुझे सबके साथ मिलके टास्क को अच्छा करना है. सो आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल. अगर ये चीज वो समझ जाए तो दैट्स अ बिग चेंज दैट दे कैन ब्रिंग इन योर इन देयर एटीट्यूड टू एक्चुअली क्लियर एसएसबी. रुद्र, द प्रॉब्लम इज आल्सो दैट व्हिच आई हैव सीन, जब व्हेन आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर स्मॉल टिप्स एंड फॉर्मूलाज रादर देन यू नो वर्किंग ऑन द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, लाइक जो आपने इतने टाइम में करी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हो कि आपने रिमको निकाला, रिमको वो 2 दिन में नहीं निकला, वो जो इतनी सारी 6th 7th में मैथ्स की करेक्ट प्रैक्टिस थी, यू वर गुड इन दैट, जो करी वो जो स्लॉगिंग आवर्स उस टाइम पे निकले करे आपने उस टाइम पे, इसीलिए वो एनडीए के एग्जाम से 2 दिन पहले रट्टा मार रहे हैं, वो नहीं निकलेगा. इट इज वॉट यू डन इन योर 11th एंड 12th दैट विल इवेंचुअली बी कमिंग इन द एग्जाम. इवेंचुअली कम आउट. करेक्ट करेक्ट. रुद्र, कैन यू टॉक अबाउट हाउ वर द ट्रेनिंग डेज इन द रिमको? हाँ आरएमसी का ट्रेनिंग डेज तो ऐसा था कि वही मैंने बोला ना कि क्रीम दे टेल यू कि दैट यू आर द क्रीम ऑफ द नेशन, सो स्टार्ट क्रीम रोलिंग. तो आरएमसी में ऐसा था, मैं जब पहुंचा तो पहला दिन सीनियर लोग आते हैं, मतलब दे द वे दे टेक केयर, यू आर लाइक कि यार ये है स्कूल देखो. एंड दूसरे दिन में आपको पता चलता है कि इंसान के अंदर ही भगवान है और इंसान के अंदर ही शैतान है. तो करेक्ट. पहला 2 दिन जो उनका भगवान दिखता है तो आप उनके फैन हो जाते हो कि यार ये लोग देखो यार कहां मैं जी रहा था, मुझे मम्मी पापा की जरूरत नहीं है, ये लोग ख्याल रख लगेंगे. और तीसरे दिन से मम्मी पापा ये कहां फंसा दिया,
So it's like that, but RIMC is something I believe that, you know, that is where I learned ki life kya hota hai. Kyunki kya hota hai na, RIMC mein bahut bahut simple simple cheeze aapko sikhate hain. To aapko bulayenge, आपको बोलेंगे कि यार सुनो, तुम्हारे अगर दोस्त कुछ भी गलत करे तो आके हमें बता देना, सो दैट वी कैन स्टॉप हिम. तो हमने बोला ठीक है, बोला तू बता देगा ना, मैंने बोला हाँ बता दूंगा. अगले 3 घंटे तक रगड़ा लगाते रहे, बोला कि तू अपने दोस्त को सेल आउट कर देगा, तू बता देगा. तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, सो बेस्ट थिंग इज, आई मीन ये चीज है कि नहीं बताना है. I mean, whatever he does, you have to stand by him. Simple चीजें देखो आप class 8 में सीख जाते हो. So, then I understood, ये जो senior थे, ये इतना रगड़ा लगाते थे, you would be like कि यार कैसे, मतलब ठीक है, I enjoyed it a lot. मतलब मुझे बचपन से ही ना ये struggle, रगड़ा बहुत पसंद है. So I was very happy and of course रगड़ा लगता था, time नहीं मिलता था इतना सोचने का कि क्या चल रहा है life में. But then I realized कि जब आपका वो time आता है ना कि suppose you have done something and आपका एग्जाम में भी, क्योंकि क्या होता है कि RIMC में ना अचानक से आप जब पहुंचते हो, कुछ क्रीम मेरे जैसे पहुंचते हैं और इतना रगड़ा लगता है कि वो दही बन जाते हैं. तो एकेडमिक्स तो मतलब सर से ऊपर चला जाता है कि यार किसी तरह सरवाइव कर जाए, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, वो ध्यान भटक हट जाता है. ठीक है, ऐसा लगता है मिर्जापुर में आ गए हो. तो इस तरीके से जब मैं मतलब RIMC में पहुंचा, सो दिस सीनियर्स वर देयर, सपोज यू हैव डन समथिंग, आई मीन समथिंग रॉन्ग, और कोई आपको पकड़ ले एंड यू नो द अथॉरिटी, दे हैव डिसाइडेड कि यार ये 6 months लूज करेगा. दिस इज द टाइम दिस सीनियर्स हु वर पनिशिंग, वो खड़े हो जाएंगे आपके लिए एंड दे वुड बी लाइक कि सर हमारा अपॉइंटमेंट ले लो, हमको डिटैप कर दो, we will take any kind of ragda, बस इसको इसको कुछ मत करो सर, इसको जाने दो सर, इसका 6 महीना नहीं लूज होना चाहिए. सो देन आई अंडरस्टूड कि यार दीज पीपल हैव द राइट टू एक्चुअली ग्रूम यू एंड पनिश यू, बिकॉज जब आपका मुसीबत आता है, दे आर स्टैंडिंग एज वॉल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, लोग बोलते हैं कि सर लीडरशिप क्वालिटी, ये 15 OLQ के पॉइंट्स बता दो. 15 OLQ के पॉइंट्स आपके बताने से नहीं आता, प्रैक्टिस करने से आता है. करेक्ट करेक्ट. सो ये जो आपका, ये जो आपको बचपन से सिखाया जाता है ना कि स्पोर्ट्स खेलो, गेम खेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरा टीम वाला क्या सोच रहा है, वीकेस्ट लिंक को भी साथ लेके चलो, तब हम ध्यान नहीं देते हैं. 12th के बाद अचानक हमको लगता है कि हम उस स्नेक रेस में सबको साथ लेके जीत जाएंगे. अरे नहीं होता है, एक दिन में नहीं होगा, इट्स अ प्रोसेस. सॉरी टू इंटरप्ट यू, रिमेंबर जैसे कि रेनबो में एनडीए में रन बैक्स होते हैं, तो देयर आर पीपल जो थोड़ा धीरे भागते हैं, उनको भी अपने साथ में लेकर हम भाग रहे होते हैं, बिकॉज़ दैट रन बैक इज गोइंग ऑन. परफेक्ट सर, ऐसा है, ये जो आपने रन बैक का एग्जांपल दिया, सो बेसिकली मैं बताता हूं जो एस्पिरेंट्स है, रन बैक ये होता है कि जब आपको लगता है कि 6-7 दिन कैंपिंग के बाद, आप लोगों ने सुना होगा समर कैंप, बहुत मजे आते होंगे लोगों को समर कैंप में, शिमला जाते हैं, कुछ कुछ होता है, मैं दिखाया था, लेकिन हमारा ना कैंप तोड़ना ग्रीन ऑन, द फेमस कैंप्स ऑफ इंडिया, तोड़ना ग्रीन ऑन, चाहे एनडीए हो चाहे आईएमए हो, अगर कैंप है बस, तो समर तो भूल जाओ, समर विंटर मॉनसून सब गायब हो जाते हैं, सिर्फ कैंप होता है. और तुम लोग बन जाते हो प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम्हारे साथ ऐसा बदतर सलूक होता है. ठीक है, तो जब उस कैंप में जाते हैं, उस कैंप में जब 6 दिन के सर्वाइवल के बाद जब इंसान को लगता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सोना है, उसके बाद वो जो 30-40 किलोमीटर दौड़ना होता है उसे कहते हैं रन बैक. राइट. और वो भी ऐसे नहीं दौड़ना होता है, पहले 3-4 पहाड़ चढ़नी पड़ती है, उतरनी पड़ती है, फिर दौड़ना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है. जब पहुंचोगे खुद पता चल जाएगा. तो ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आई मीन यस यू नो, अगर आप SSB में ये सोच रहे हो कि मैं किसी से अच्छा कर लूं, इन एनडीए आपका ना ऐसा होगा, या एनडीए आईएमए में ऐसा होगा, लाइफ में ये याद रखना, अभी मजाक लग रहा होगा लेकिन ऐसा टाइम आता है जब पानी में आपके बॉटल में आपके पानी है, दूसरा बंदा दौड़ते दौड़ते अपना पूरा पानी पी गया, और वो आपसे रात को जहां पे आपको पता है कि अगले 2 घंटे तक पानी नहीं मिलेगा, वो आपसे बोलेगा यार एक घूंट पिला दे. करेक्ट.
तब पता चलेगा आपका असली कैरेक्टर कि आप पानी दोगे बिल्कुल कि तब आप बिल्कुल सही बोलोगे कि, तब भी बहुत लोग होते मुकर जाते हैं, बोलते तुमने अपना पी लिया मैं क्यों दूं। बट ऐसे भी इंसान होते हैं जिसमें, मुझे याद है हमारे एक पानी पीने को था नहीं, गर्मी का मौसम था, वी वर रनिंग इन द आफ्टरनून, हालत खराब हो चुकी थी, एक बंदा आके बोलता है भाई नंबर टू लग गया है, पानी चाहिए। तुम सोचो वो अपना पानी पी गया, अब तुम्हारा पानी नंबर टू के लिए मांग रहा है, दोगे? और सोचो कि तुम्हारा गला सूख चुका है, मतलब यू डोंट हैव एनी वाटर, तुमको एक पहाड़ चढ़ना है, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, तब जो पानी दिया था ना वो मैं जिंदगी भर मरते तक याद रखूंगा कि पानी ले गया था नंबर टू के लिए। सो यू नो इट्स नॉट दैट सिंपल दैट कि मैं एक दिन में बहुत कुछ कर जाऊंगा या एक दिन में SSB क्लियर कर जाऊंगा। यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ। आई मीन इट्स नॉट लेट कि अगर आप 12th में हैं, आप अपियरिंग करने वाले हैं या आप कॉलेज में हैं, आप CDS जाने वाले हैं, यू नो इवन इफ यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ इन 6 months 1 year, इट्स इनफ अ टाइम टू एक्चुअली गेट यू इनटू दैट ग्रिड टू अंडरस्टैंड कि हाँ मैं वैसा इंसान बन सकता हूँ जैसा SSB चाहते हैं। करेक्ट। सो बी अ टीम मेंबर, प्लीज लिसन टू हिम वेरी केयरफुली। 6 महीने 1 साल की बात कर रहे हैं। अब आप मेजर रुद्रशी से आपको इंस्टाग्राम पे DM मत करना, सर 6 दिन में SSB है आप बता दो, क्योंकि वो नहीं हो सकता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर, टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, एंड दिस इज अ थिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम कोलियन, XNDN, XIMA। प्लीज ट्रस्ट मी व्हाट ही इज सेइंग, ही हैज बीन, मतलब आप लोगों में से काफी शायद लोग रिमको NDA नहीं गए होंगे। I have coastmates Rimkolians, including one of his senior was my coastmates. Rimko has produced generals of not only of the Indian Army, Navy and the Air Force, but of the Pakistani and the Bangladesh forces. Also I've got a lot of Rimkolians. जिनको नहीं पता है जरूर रिमको के बारे में जाके पढ़िए। It's one of the most prestigious academy in Dehradun, in adjacent with the Indian Military Academy being at Dune. अगला क्वेश्चन रुद्रशीश, ये तो मुझे नहीं लगता है कि रिमको की ट्रेनिंग के बाद क्या एक और चीज है, one thing I would like to say, जो ये लोग जो टिप्स मांगते हैं, मैं उनको एक ही टिप्स देता हूँ। जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल मुझे बताया सर मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ और मुझे कोई टिप्स दे दो, सो आई हैव वन टिप फॉर यू। जब आप इलाहाबाद जा रहे हो संगम में जाके दुआ करना कि आप पास हो जाओ, इसके अलावा और कोई दुआ और कोई टिप है नहीं। इतने इतने कम टाइम में यही टिप मिलेगा। कोलकाता में SSB है तो कालीघाट चले जाओ, भगवान से दुआ करो कि मैं पास हो जाऊं, बाकी कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? तो जो कम टाइम में टिप मांगेगा वो यही टिप है। और ये और बहुत अच्छा आपने बताया DM में ये जो, चलो तुम SSB के बारे में पूछ ले तो फिर भी मुझे मेरा मन मार के लगता है कि चलो इसको आंसर कर दूं। और ये जो मुझे पूछते हैं ना हाइपो थाइपो डिस्को दैट इलेक्ट्रिसिया और ये, इस चीज का मैं क्या करूं भाई, मैं ऐसा जानता तो मैं डॉक्टर होता। राइट। मैं तुम्हें मेडिकल नहीं क्लियर करवा सकता। मुझे सिंपल भी चीजें पूछोगे ना सर नौकरी के लिए क्या करूं, देखो ऐसा है नौकरी के लिए क्या करो क्या नहीं करो, मुझे क्या, मुझे मुझे मेडिकल का नहीं पता। मुझे इतना पता है मैं गया था ओवरवेट था, वेट घटाया पास हो गया बस, उसका भी इतना पता डाला हुआ है कि कैसे वेट घटाया। तो मैं मेक दिस क्लियर फ्रॉम मेजर साहब कि आप इस बात को समझिए कि जैसे कि ये क्वेरीज आप मुझसे भी पूछते हैं कि मेडिकल में क्या हो रहा है, मेजर साहब से भी पूछते हैं और सिमिलर ऑफिसर्स से भी पूछते हैं जो इंस्टाग्राम पे। प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर्स। मैं AFMC के डॉक्टर्स होते हैं जो आगे चल के मेडिकल फील्ड में आते हैं, एंड देयर आर मेनी डॉक्टर्स विच आंसर, या फिर वो किसी पर्टिकुलर कोचिंग के साथ एसोसिएटेड होंगे जो आपका आंसर करेंगे। वी आर नॉट स्पेशलाइज्ड पीपल। जो आपकी डॉक्टर की क्वेरी, और दूसरी बात हम गलत भी नहीं बोलना चाहते, मान लीजिए हमें आइडिया भी है, वी डोंट वांट टू टेल बिकॉज मे बी देयर इज, जैसे कि नौकरीज की इन्होंने बात करी, नौकरीज के अंदर वेरियस डिग्रीज आर चेक, जैसे कि मैं अपना ही केस बताऊं, आई हैड नौकरी तो फिर मेरा बेस हॉस्पिटल 5 सेंटीमीटर तक अलाउड होता है। एग्जैक्टली वो चेक करा था। तो ये चीजें आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो सही है। तो मेजर रुद्रशीश के इंस्टाग्राम में DM को मेडिकल क्वेरी से फ्लड मत करिए, ठीक है? रेलेवेंट क्वेरी से बहुत जरूरी है, ठीक है? उसके बाद अगला जो सवाल मैं पूछ रहा था रुद कि रिंकू की ट्रेनिंग काफी अच्छी खासी थी, इसके बाद NDA की ट्रेनिंग थोड़ी इजी लगी कि इट वाज या एक्चुअली जब तक मैं NDA में पहुंचा, वही होता है ना कि आपका
इफ यू आर हैबिचुएटेड टू समथिंग, अभी देखो एक चीज है, मुझे जहां तक लगता है बाहर लोग इतना टेंशन क्यों लेते हैं, बाहर इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्मूथ लाइफ जा रहे होते हैं, बस उनके पास एकेडमिक टेंशन होता है कि मैं इसमें अच्छा कर लूं, मैं इस एग्जाम में अच्छा कर लूं, जो कि आफ्टर वन ईयर एक साल में एक बार या दो बार जितने भी बार एग्जाम होता है तब आता है। बट जब आप आरआईएमसी एनडीए में होते हो आपका हर दिन का टेंशन होता है यार मैं वहां से कट मार के भाग गया था तो ये वाला सीनियर मुझे बुला लेगा आज रात को 2 बजे, तो अगर मैं मुझे 9 से 10 से 2 सोना है तो मैं इस सेक्शन में जाके सोऊंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरे में चला गया, दूसरे हाउस में चला गया, तो वो वाला सीनियर पकड़ लेगा क्योंकि उस दिन उससे भागा था। तो ये जो तुम्हारा डेली रूटीन है ना, सर्वाइवल है, मतलब तुम्हें हर दिन सुबह से लेके। और एक चीज क्या होता है, इंसान सबसे ज्यादा शौक किससे होता है, सरप्राइज से। अगर मैं तुमको रात को उठा के बोल दूं कि भाई देखो ऐसा है तुम्हारा दोस्त बीमार है तुरंत चलो, तो तुम सरप्राइज हो जाते हो, फिर तुम्हें वो लगता है। आरआईएमसी एनडीए में, आरआईएमसी में मेरे साथ ये सरप्राइज ही था, मतलब मैं जब पूरे दिन अच्छा बिता के सोच रहा हूँ कि आज जाके 10 बजे सो जाऊंगा, आज किसी से पंगा नहीं लिया, 10 बजे पहुंचा, पता चला 11 बजे हमें पीछे एक किट रूम होता है जहां पे जूते उते रहते हैं, वहां पे पनिशमेंट के लिए बुला लिया। मैंने बोला क्यों आज तो कुछ नहीं किया, बोला तूने नहीं किया दूसरे ने किया ना, क्यों नहीं करा, कलेक्टिव पनिशमेंट। अब उसके लिए तुझे भी मिलेगा। तो तब मुझे समझ में आया देखो कि कभी भी मन को शांति नहीं देनी है कि नहीं, तो वो जो मोमेंट है ना कभी आया ही नहीं वाला। तो इस चक्कर में मैं जब एनडीए में पहुंचा, इस टेंशन की 5 साल में इतनी आदत हो चुकी थी कि मुझे पता था अरे कोई ना कोई बुला लेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी आधा घंटा मिल रहा है ना, सो ले बाद में देख लूंगा। करेक्ट करेक्ट। सो दैट एटीट्यूड हेल्प्स अ लॉट इन एनडीए एंड आई थिंक ट्रेनिंग बिकेम अ लॉट मोर इजियर, बिकॉज तब तक थोड़ा फिजिकली भी टफ एंड हो गए थे, यू नो वी वर एबल टू टेक दोस फिजिकल रगड़ा हमें ऑलरेडी पता था कि कितना रगड़े क्या करना मास्टर है। हो गए थे आप भैया, मास्टर हो चुके थे, मुझे पता था कि कितना स्पीड से रोलिंग करो कि तुम्हारे पीठ ना छिले और सीनियर को भी गुस्सा ना है। ठीक है, क्योंकि एक वो मेंटेन करता था। फिर मुझे ये भी पता था डाउट कितने लिमिट तक डाउट दिखाओ, और फिर डाउट क्या होता है, देखो ये गलत डाउट समझा दे यार रुद्र, इनको डाउट समझ में नहीं आएगा उसका मतलब क्या है। डाउट क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो डाउट ऐसा होता है, तुमको सीनियर बुलाएगा, बोलेगा रुद्राशीष Why were you there at the cafeteria during games time? तो मैंने बोला सर आई वॉज एक्चुअली हैविंग समथिंग, डू वन थिंग, स्टार्ट रोलिंग। अब मैं उस टाइम भूखा था, मैंने गेम्स अटेंड भी किया, तो अब मुझे डाउट आ गया कि यार फालतू में पनिश कर रहा है। तो डाउट क्या होता है कि वो बोल रहा है आई टोल्ड यू स्टार्ट रोलिंग, तो आप सर आई विल रोल सर वन, फिर आप धीरे धीरे ग्राउंड को क्लियर कर रहे हो जैसे कि आपको चोट ना लगे। तो वो इंसान का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है कि यार इसको मैं रोलिंग बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे मजाक में ले रहा है मुझे। फिर आप बोलते हो कि स्टार्ट रोलिंग, फिर मैं बोलता हूँ सर आई विल रोल वेरी फास्ट सर, लेकिन मैं रोलिंग कर नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सो ये होता है डाउट, एक तरीके का डाउट होता है, बहुत सारे तरीके के डाउट होते हैं। अब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा खैर ये एकेडमी के लिए एक है सिखाता हूँ। मैं क्या करता था कि जैसे किसी को डाउट दिखा दिया तो मुझे पता था देखो सीनियर का एक चीज है, तुम कितना भी डाउट दिखा दो तुमको रगड़ा तो लगने वाला ही है। ट्रू ट्रू। वो आज लगे, वो कल लगे, वो 3 दिन बाद लगे, वो अपना पूरा उसूल कर लेगा। तो मैं क्या करता था कि सबको डाउट नहीं दिखाता था, मतलब जो कुछ अच्छे सीनियर्स भी होते हैं जो जेन्युइनली तुम्हें जो पनिश करते हैं देयर इज अ रीजन, तो मैं कर लेता था। कुछ सीनियर होते हैं जिनका काम ही होता है कि I don't like your face punishment. मतलब मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। फिर तुम्हें बुला लेंगे, पनिश कर देंगे और बोलेंगे कि अच्छा पता है तुझे मैंने क्यों रगड़ा लगाया? क्यों सर? Because you are a rimpu. तो ऐसे भी सीनियर होते हैं जिनको कोई लॉजिक नहीं होता, बस आपको रगड़ा देना होता है। तो उनको मैं बहुत डाउट दिखाता था, उनको मैं क्या करता था कि डाउट दिखाता था और उस लिमिट तक ले जाता था, जब उसको मुझे दूसरा तीसरा इंटरवीन करता था, दूसरा तीसरा सीनियर आ जाता था कि तू उसको डाउट क्यों दिखा रहा है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता था, जब दूसरे तीसरे इन्वॉल्व हो जाते थे तो मैं बहुत अच्छा रिएक्शन दिखाता था और इनको बताता कि सर मैं आपके लिए करूंगा, मैं इनको डाउट दिखाऊंगा। अब ये भी सेटिस्फाइड हो जाते थे कि यार हमें तो दिखा नहीं रहा है,
इसका मतलब इसी में कुछ गलत होगा, ये सही में ऐसे, क्योंकि क्योंकि आपस में उनको भी पता होता है कि फालतू में रगड़ा पता होता है कौन कैसा है। हाँ, कौन कैसा है, फालतू में रगड़ा लगा। तो अब वो जो फालतू वाला है उसको जब पारा फट जाता था कि यार ये बंदा मेरे काबू में नहीं आएगा, तब मैं लास्ट में वो नेगोशिएशन में आ जाता था, ओके यू डू दिस आई विल लीव यू। तो जब उस नेगोशिएशन में आ जाता था कि तू एक मिनट में इतने रोलिंग कर दे, इतने वो कर दे, तो मैं छोड़ दूंगा, फिर भी मैं बोलता था नहीं सर, आपने सर ऐसा सर वो सर, लेकिन फिर लास्ट में मैं क्या करता था, लास्ट में आई न्यू, देखो मेन चीज है कोई भी बैटल जीतना है सीनियर से तो उसका ईगो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। तो मैं लास्ट में एक चीज बताता कि सर आप इतने बढ़िया इंसान हो लेकिन आप रगड़ा फालतू में लगाते हो, वरना मैं आपको सर कभी डाउट नहीं दिखाता। फिर जब उसका थोड़ा मन सॉफ्ट हो जाता था ना, लगता था नहीं यार, तो लेकिन अब उसको ईगो भी सेटिस्फाई करना है, तो वो मुझे बोलता था तू ये कर, इफ यू टेक दिस सेशन प्रॉपरली आई विल नॉट, अब मैं कर लेता था। और उसके बाद बिलीव करो वो सीनियर मुझे कभी छूता नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि इसको पकड़ लूंगा तो इसका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है। क्योंकि टू पनिश एनीबॉडी इट्स नॉट इजी, यू हैव टू वेस्ट योर टाइम आल्सो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रुद्रशीष एक मेरा इंडिया कोस्टमेट था, तो वो ही टोल्ड मी, मतलब उसने बताया था उसके साथ का था, तो जैसे उसे बोलते थे फ्रंट रोल, तो वो डाउट दिखाने के लिए बोलता था सर फ्रंट ऑन लेफ्ट और ऑन राइट, ठीक है, उसके बाद सर पीछे जाना है कि सर आगे जाना है सर, ठीक है सर कितनी, ये मैं आपको बताता हूँ, एनडीए में एक क्वाड्रेंगल है ना, मेस के, तो मेस से उन्होंने बोला राउंड दैट चक्कर एंड बैक, तो मैं बोला सर राइट और लेफ्ट, तो उसने बोला राइट, तो जैसे उसने बोला, अब मुझे पता था, तो बोला यार यू डोंट शो डाउट राइट, तो मैंने बोला नहीं सर अगर आपसे पूछूंगा नहीं राइट से चला लेफ्ट से चला जाता तो आप बोलते कि यार व्हाई डिड यू गो ऑन द रॉन्ग साइड, तो सर राइट ना, तो उसने बोला हाँ राइट, तो मैं गया फिर वापस आया, बोलता है व्हाट हैपेंड, मैंने बोला सर योर राइट और माय राइट, तो बोलता है मजुमदार नाउ यू आर गेटिंग ऑन माय नर्व्स, योर राइट गो, मैं गया मैं वापस आया, मैंने बोला सर वन थिंग सर, बोलते है व्हाट हैपेंड, मैंने बोला सर my right while I am facing you or my right while I am facing that side. इतना पागल हो गया, उसने हमारे कोर्स को ही पुटन मार दिया, और फिर उसके बाद हमारी मतलब हम लोग डिनर में थे, डिनर के बाद हम लोग मतलब थोड़ा डाउट वाउट हो गया था, तो डिनर के बाद पूरे कोर्स को, वो भी गेस्ट डिनर था, गेस्ट डिनर में इतना खाया पिया यू वोंट बिलीव, उसके बाद सारी रात एडजुटेंट भी खड़ा था पूरे, उन्होंने हमें रोलिंग ही कटवाई, बहुत पनिशमेंट, बहुत रगड़ा मिला। तो अगली बार से लेफ्ट ज्यादा लेफ्ट राइट सोचना मत, जिधर बोले दौड़ लेना। करेक्ट। और एक और चीज मैं इनके साथ बता दूं, रुद्रशीष भी बताएंगे, अपॉइंटमेंट्स को कभी भी डाउट मत दिखाना। हाँ, वो अपॉइंटमेंट ही थे, ही वाज बीसीसी। बस देख लो, अपॉइंटमेंट में बड़ा पंगा पड़ता है मेरे, ठीक है, बहुत ज्यादा बीसीसी एससीसी दीज आर वेरी मतलब आईएमए में पावरफुल अपॉइंटमेंट्स, तो इनसे आप बिल्कुल भी पंगा मत लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो रुद्र, एनडीए में कौन सी स्कॉन थी, एंड आई थिंक एनडीए के ट्रेनिंग डेज डिड यू फाइंड इजी, तो आपने बताया कौन सी स्कॉन थी, एंड वर यू आल्सो दैट फ्रंटलाइन क्रॉस रेंट्री रनर फॉर दैट, इफ आई एम करेक्ट यू गेट ईगल मिलती है स्कॉन को, हु विंस द क्रॉस कंट्री, एक्चुअली यू गेट द ग्लाइडर, ग्लाइडर, आई बेग योर पार्डन, यस ग्लाइडर, हां ग्लाइडर मिलता है इंडिया में इफ यू विन द क्रॉस कंट्री, एंड उसके बाद इफ यू विन इट थ्री टाइम्स इन अ रो, थ्री इयर्स इन, आई मीन थ्री टर्म्स इन अ रो, देन यू गेट द रेप्लिका, तो बेसिकली उसका रेप्लिका एक मिलता है। तो आई वाज इन ऑस्कर स्क्वाड्रन, ओह नाइस, एंड अनलाइक ऑल रिमकोलियंस आई वाज नॉट गुड एट क्रॉस कंट्री, मुझे और मैं हमेशा से सरप्राइज होता था, जो भी सीनियर आते थे ऑस्कर में ना, सब फर्स्ट सेकंड एंड क्लोजर वाले थे, मतलब सभी आके कोई एक्स ऑफिसर भी आता है ना, तो वो हमेशा ये बताता है यू नो आई यूज्ड टू कम इन फर्स्ट एंड क्लोजर, सो यू गाइस डू दिस दैट, तो मैं सोचता था जो भी आते हैं वो फर्स्ट और सेकंड एंड क्लोजर में ही आते थे, तो ऑस्कर जीतता क्यों नहीं था भाई। कोई कभी पीछे आया, वो भी रूल है ना कि जब ये क्रॉस कंट्री के लिए आते हैं शांत होके जाते हैं, दिस वंस कॉन इन द एनडीए व्हेन इट गोस, वो चार्ली है कि ऑस्कर है,
not Oscar. Oscar is basically, Oscar is also famous for cross country. They are good in cross country. Okay. Oscar ka tradition cross country hai. Oscar ka tradition camps hai. So camps is basically our tradition. अब क्या हुआ कि ऑस्कर में था मैं, तो ऑस्कर वाले क्रॉस कंट्री में अच्छे थे एंड दे वांटेड टू डू वेल आल्सो. अब मैं इतना अच्छा था नहीं, मुझे इतना इंटरेस्ट भी था नहीं. मुझे क्रॉस कंट्री ना बहुत बेकार कंपटीशन लगता था, क्योंकि एक तो जब सांस फूल रही होती थी ऐसा लग रहा था कि भाई ये रूट खत्म हो जाए, उतने में कोई ना कोई सीनियर पीछे से आके रन फास्ट गुड. अबे सांस नहीं आ रही, अटक रही है तुमको यार, रन फास्ट क्या, और बोल के दो सेकंड रुका नहीं निकल जाता था. तो मुझे वो कंपटीशन ना कभी मजा ही नहीं. और ये फर्स्ट समर से मुझे बहुत चिढ़ होता था जब मैं, मतलब आपको पता है कि आपने 8 किलोमीटर दौड़ा है, आपको रूट पता होता है और 4 किलोमीटर अभी भी बचा है. वो बीच बीच में फर्स्ट समर खड़े हो जाते हैं, वो दौड़ते नहीं है, वो आपको बोलते हैं लास्ट 100 मीटर अबे लास्ट 200 मीटर आपको पता है 4 किलोमीटर बचा है, और वो बोल रहा है 200 मीटर. मन करता है इधर आ, 4 किलोमीटर बचा है 200 मीटर बोल रहा है, बहुत मारूंगा भाई यहां से. तो या क्रॉस कंट्री आई नेवर एंजॉयड. आई वाज फोर्थ फिफ्थ एनक्लोजर. बट मेरा एक खासियत था, मैं क्या करता था, मैं जैसे क्रॉस कंट्री से पहले ना आपको मैं बहुत रगड़ा खा लेता था, कोई दिक्कत नहीं कि रगड़ा दे दो. फिर लेकिन उनको समझ में आ गया कि इसको क्रॉस कंट्री में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी गेम्स में आई वाज वेरी गुड इन लाइक स्विमिंग, हॉकी, फुटबॉल, सभी गेम में मैं अच्छा था. तो देन यू कि चलो ये स्पोर्ट्समैन है, सब में अच्छा करता है, तो क्रॉस कंट्री में इसको ज्यादा हम तंग नहीं करेंगे. सॉरी टू इंटरप्ट, देयर इज वन कंपटीशन आल्सो ना जिसके अंदर द एनडीए, जिसके अंदर वो सारे आई डोंट नो डेकाथलॉन और सम कांसेप्ट जिसके अंदर एनडीए में होता है, जिसमें सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होता है, लगातार कॉम्पिटिशन होता है. I'm not remembering. बस बोलते थे यार तू देख तू रिमको है तो तू थर्ड फोर्थ में आ जा उतना चलेगा. तो मैं क्या करता था, मैं खड़ा होता था तो एक क्या होता है क्रॉस कंट्री से पहले एक ट्रेडिशन होता है, आपको रात को बैठना पड़ता है क्रॉस कंट्री से जस्ट पहले वाले दिन. And everybody stands up and says कि मैं कल first enclosure में आऊँगा, मैं कल second enclosure में आऊँगा. So basically first enclosure is the best lot, second is the second best, third, fourth, ऐसे करके. Correct, correct. ठीक है? हाँ, तो जो खराब होते हैं वो fifth के बाद आते हैं. तो मैं हमेशा खड़ा होकर बोलता था सर. तो सब expect करते थे, जैसे कि practice में कोई third में आ रहा है तो सब expect करते थे कि वो खड़ा होकर बोलेगा I will come in सेकेंड एनक्लोजर. मतलब जो आप आते हो प्रैक्टिस में आपको फाइनल डे में एक एनक्लोजर ज्यादा बताना है. तो सब खड़े होकर बोलते थे, जो थर्ड वाला है बोलता सर आई विल कम इन सेकंड, सेकंड वाला खड़ा होकर सर आई विल कम इन फर्स्ट, फर्स्ट वाले तो यही बोलते थे आई विल कम इन फर्स्ट. मैं खड़ा होता था, मैं आता था फिफ्थ में आता था, तो मैं खड़ा होकर बोलता था सर आई विल कम इन सिक्स्थ एनक्लोजर. तो मुझे बोलते थे अबे कुछ शर्म कर ले भाई, सिक्स्थ बोल रहा है तू, At least say fifth because you are coming in fifth. तो मैं बोलता था ठीक है, मैं थोड़ी देर सीनियर रोलिंग करवाते थे, फिर मैं मान जाता था, फिर मैं खड़े होकर बोलता था सर I will come in fifth enclosure. अब उन्होंने बोला ठीक है चलो ये fifth enclosure में बोला है तो आ जाएगा. अब क्या हुआ, अगले दिन जो थर्ड वाले थे उसमें से कुछ लोग फोर्थ में ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ सेकंड एनक्लोजर वाले थर्ड एनक्लोजर में ड्रॉप हो जाते हैं. करेक्ट. सो यू नो इट्स नॉट दैट, बिकॉज़ जो एकेडमी का पहला बंदा भाग रहा है वो बहुत अच्छा भाग गया तो बाकी लोग ड्रॉप हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसा होता है, पर मैं तो फिफ्थ ही बोलता था. हाँ. तो मैं या तो फिफ्थ में आ जाऊं या तो फोर्थ में आ जाता था. हाँ. फोर्थ में आ गया, सोचो. तो मैं जैसे ही फोर्थ में आ गया, जब स्क्वाडन को बुलाते थे रगड़ा देने के लिए, तो मुझे एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा करते थे कि इसको देखो सिक्स्थ बोला, हमने कन्विंस किया फिफ्थ में और फोर्थ में आया, बी लाइक हिम. जबकि मैं और भी अच्छा भाग सकता था लेकिन मेरे को इंटरेस्ट था नहीं. मैं जितना लगता था मुझे कि भाई इतने में ही बहुत है उतना ही करता था, लेकिन मेरा एग्जांपल दिया जाता था कि देखो लर्न फ्रॉम. सो कभी कभार आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे आप करो, रगड़ा बहुत लगेगा, बट देन यू शुड नो योर सेल्फ. आई मीन क्रॉस कंट्री आई नेवर एंजॉयड and was never a very good runner in cross country, but yeah I was okay in running. But
One thing, I was good in camps. Camps running में, because I took it as a challenge, I used to love it because आपको weight carry करना पड़ता है, आपको you know you have to carry so many extra things. So I loved camps more than cross country. अभी रुद्र तुमने camps की बात करी, तो NDA के तीन important camps हैं, Greenhorn, Rover और Torna. These are very important and these are one of the toughest camps in the world at that age group. 17-18 साल में जिस एज में ये कैंप्स होते हैं, दुनिया में इसके एग्जांपल सेट करे गए हैं कि इंडिया के इतने टफेस्ट कैंप्स. ये टफ कैंप्स क्यों है और कैंप्स बेसिकली क्या सिखाने की कोशिश करते हैं? आई थिंक कैंप्स इज बेसिकली इन एनडीए लॉट ऑफ मिलिट्री थिंग्स यू लर्न. आई मीन आपको टैक्टिक्स वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, बट कैंप्स इज समथिंग दैट टेल्स यू दैट अ ह्यूमन हैज इनह्यूमन स्ट्रेंथ इनसाइड. करेक्ट. आई मीन कैंप्स ऐसा चीज है ना जहां पे आपको पता चल जाता है कि बॉस कोई लिमिट नहीं होता. देयर इज नो एक्चुअली जो हम सोचते हैं ना कि यार हम इतना ही कर पाएंगे यही हमारी लिमिट है, वो जो मेंटल बैरियर है ना वो कैंप्स में तोड़ दिया जाता है. एंड ऑल्सो यू रियलाइज एज अ ह्यूमन कि जो बंदा क्रॉस कंट्री में वो हल्का पतला दुबला बंदा फर्स्ट आ रहा होता है, इन कैंप्स हमारे जैसे जो पीछे आते हैं हम उनके राइफल कैरी करते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. राइफल, रॉकेट लॉन्चर्स एंड व्हाट नॉट. आरएल यू नो देयर आर पीपल हु आर कैरिंग एलएमजी इतना भारी 7.62. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट इज वेयर किसी को रोप लटका दिया जाए तब आपके पास मतलब एक तो इतना कुछ लोड कैरी हो रहा है, उसके बाद वो जो रस्सा भी है ना वो गले में ऐसा चुपता रहता, लगता है कि फांसी का फंदा है. करेक्ट. स्ट्रेचर 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 देते इसीलिए है कि कोई इंजियर हो जाए तो उसको उठा के ले जाने के लिए, लेकिन आपको स्ट्रेचर ऐसा लगेगा कि कोई डेड बॉडी लेटा हुआ है. इतना थक जाते हो आप. सो दैट इज वेयर यू एक्चुअली रियलाइज दैट यू नो नॉट एवरीबॉडी इज गुड एट एवरीथिंग बट everybody is at the same platform and if everybody sticks together you can do anything. Correct. So camps is a I think it is the best thing that I have experienced in my training. Matlab karne mein to itna kya hi maza, koi maza waza nahi aata tha, ragda hi tha aur bahut hi tough tha, but that is the memory that we actually carry forward all our life. So camp to is और अब yes, मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं अब मुझे लगता है कि मुझे भी समर कैंप वगैरह भी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लाइफ में मजे भी कर लूं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो रुद्र शीश ने काफी सारी चीजें बताई. एक इम्पोर्टेंट इनको प्रिविलेजेस के बारे में बताओ. प्रिविलेज क्या होता है, जैसे कि द कंसेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस इन दी एनडीए और दी रिमको, जिसके अंदर घड़ी पहनना प्रिविलेज हो जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स which basically becomes the important part of the training. Yeah, so basically क्या होता है ना कि वही बोलते हैं ना, इंसान को अगर सब कुछ दे दो तो इंसान को किसी भी चीज की वैल्यू नहीं पता होती है. करेक्ट करेक्ट. दिस इज अ सिंपल थिंग अबाउट एनडीए. आई टेल यू, थर्ड टर्म में हम लोग जब सॉक्स करते हैं पहनते हैं तो द रेड लाइन इन द सॉक्स, सो एनडीए का सॉक्स होता है व्हाइट सॉक्स विद अ रेड लाइन. द रेड लाइन शुड नॉट बी सीन एंड इट हैज टू बी डबल फोल्ड. A fourth tumor can wear the socks in one fold with the red line visible. इतनी छोटी सी चीज में इतनी सी खुशी होती थी ना. Correct. कि तब तुम्हें लगेगा कि लाइफ में ना ये जो हम लोग सोचते हैं ना हर दिन, हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ गलत क्या हुआ. Correct, correct, correct. You should be grateful for everything that is happening, every small Absolutely thing that correct. Is happening good to you rather than crying about things which you don't have. Correct, so that correct. Is why in NDA, you know, if you have grown, I mean, as a six timer, you can wear a watch. That's a big privilege. I mean, main ghadi pehen sakta hu yaar. To socho, jo insaan itni choti cheez ko value karega, wo kabhi bhi na life mein nirash nahi hoga. I mean, the training is made such ki aap nirash nahi honge, kyunki aap choti choti cheez mein khushiyan dhoond lete. I mean, people are always looking for bigger things to make them happy, but real people are those are the one who are living life. Actually, they find happiness in small things. They never go ki mujhe bade cheez se khushi milegi. Bada cheez ho jayega eventually. So ye privileges jo hote hain, I mean, ek hota hai aapne
आपका बर्थडे, यू नो ऑन दैट डे नोबडी विल गिव यू पनिशमेंट एंड इट्स नथिंग. क्या है, एक दिन और रगड़ा लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इवन दैट वन सिंगल डे वेर यू नो यू कैन टेल अ सीनियर सर टुडे इज माय बर्थडे एंड इट टेल्स यू ओके यू गेट अप यू गो, इट्स अमेजिंग. मतलब तब तुम्हें पता चलता है कि लाइफ में हम कितने छोटी छोटी चीजें एंजॉय कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. जो हम नहीं करते हैं. और वही चीज आई थिंक दिस प्रिविलेजेस टॉट मी दैट यू ऑलवेज लुकिंग फॉर बिगर थिंग्स. ठीक है रुद्रशीष, एकदम आई थिंक रुक गया है. नहीं आ गया, आ गया. ठीक है, करेक्ट. हां यस इट्स देयर. सो इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको रुद्रशीष सर बता रहे हैं कि यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द एनडीए और द रिमको और द आईएमए. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वॉट द लाइफ लेसन्स दे आर ट्राइंग टू गिव, ट्राइंग टू फाइंड द हैप्पीनेस इन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. आई एम वेरी श्योर कि आईएमए की ट्रेनिंग ईजी रही होगी और ये क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, बताओ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर कैसे मिलेगा? आईएमए का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर चाहिए बच्चों को, ये कैसे मिलता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें आईएमए में यू हैव टू बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्समैन. करेक्ट. यू हैव टू बी लाइक बेस्ट इन एकेडमिक्स एंड अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस यू हैव टू बी द मोस्ट सिंसियर गाय इन आईएमए. हमारे जैसे रहोगे कुछ नहीं बनोगे, सोडा वॉनर वॉनर कुछ नहीं मिलेगा. क्योंकि हमें अगर ऑप्शन दिया, मतलब ऑप्शन नहीं, जिस क्लास में हमें लगता था कि इस क्लास में तो ऑफिसर नहीं आएगा, जो सोडा वॉनर वाला मटेरियल है वो उस क्लास में जाता था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सोते थे हम, बादाम मिल्क पी के सोते थे. तो ऐसा है लाइफ में दो चीजें, सोडा वॉनर एक तरफ और एक तरफ बहुत शांति है. शांति में सभी जीते हैं. मैं चाहूंगा तुम लोग सोडा वॉनर के लिए जाओ, लेकिन मुझे मेरी शांति पसंद थी, बहुत मजे की. सो यू नो लाइफ इज ऑलवेज अबाउट बैलेंस. आई मीन कोई भी कहीं पे यू नो नोबडी लूजेस आउट, नोबडी विंस, नोबडी, एवरीबडी एट द एंड रीचेस द सेम प्लेस, दैट इज डेथ. तो सोडा वॉनर के लिए पहली बात, जो अगर तुम ऐसे सोडा वॉनर एम करके जाओगे ना तो नहीं मिलेगा. क्योंकि जो आते हैं ना, जो आई मीन दोस पीपल आई हैव सीन हु हैव बिकम सोर्ड ऑफ ऑनर्स, हु हैव बिकम लाइक एसीसी अपॉइंटमेंट्स, यू हैव टू बी एन अपॉइंटमेंट टू गेट दैट. ओके, आपको एकेडमी का हाईएस्ट अपॉइंटमेंट होना है तभी आपको मिलेगा. और वो वही लोग बनते हैं ना जिनको एक्चुअली में बनना नहीं है. वो इतने काबिल है कि वो बन जाते. Correct, उनको correct. ये नहीं होता है कि मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर बनना है. वो करते रहते एंड सडनली दे आर लाइक ओके यार, हमें भी पता होता है, उनको भी पता होता है, लेकिन they are totally focused. Normal bande hamare mein se who are high performers, they become sort of owner. Aur kuch nahi. Isi se agla sawal hai mera. Ye do sawal mujhe continuous aate hain. Second sir, khas kar ye Uri movie ke baad bahut zyada ho gaya hai. Agar mujhe 50 candidate aa rahe hain to aise likhte hain, sir hame balidan badge chahiye, hame para sir join karni hai, I can give you guarantee. Rudra aapko bhi iske lagatar dm aate honge कि पैरा एसएफ ज्वाइन करनी है, बलिदान करना है. एंड समटाइम्स आई फील दैट यू नो दैट 95% जो है दे वांट टू ज्वाइन पैरा एसएफ. एंड यू नो कर्नल एडी है जो देहरादून से आते हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा था, नंबर ऑफ पैरा एसएफ सोल्जर्स ऑन ट्विटर आर मोर देन द नंबर ऑफ पैरा एसएफ सोल्जर्स इन द एंटायर वर्ल्ड. करेक्ट. उन्होंने आपको बताता हूं एक्चुअली क्या है ना, कि जो अभी से पैरा एसएफ के लिए मोटिवेटेड है ना, आपको बता दूं ये सब कुछ काम नहीं आएगा. पहले एकेडमी का रगड़ा झेल लो. करेक्ट. उसके बाद जब आप वहां जाओगे ना, देयर विल बी 10 थिंग्स दैट यू विल कम टू नो. एंड मैं आपको बता देता हूँ, जितने पैरा एसएफ वाले ऑप्टी है ना कि सर हमें बलिदान बैच चाहिए, वो कभी भी पैरा एसएफ में नहीं जाते. एकेडमी में वो लड़के जो चुपचाप रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है कौन है, क्या कर रहे हैं, बस अरे अचानक यू विल बी लाइक ये एसएफ में चला गया एंड ही डज वंडरफुल. सो अभी से ना, वो बोलते हैं ना कि एक दिन में नहीं होता. पैरा एसएफ
वाले जो होते हैं ना एसएफ वाले, दे आर साइलेंट किलर्स. तो एकेडमी के जो एक्चुअल साइलेंट किलर्स होते हैं ना, जो हमेशा से साइलेंट रहते हैं, किसी को भनक करने लगेगी कि ये करेगा, वो डी क्लासिफिकेशन, मतलब वो जो आईएमई की डी क्लासिफिकेशन होती है, पता भी नहीं लगता है उनका. सडनली आपको रियलाइज होगा, अबे ये पैरास, बिकॉज दे आर नॉट हियर टू एडवर्टाइज, मुझे चाहिए, मुझे देश के लिए करना है, मुझे पैरास से जान. ये सब बकवास है. अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लग सकती है, लग जाए, लेकिन ये जो बोलते हैं ना सर मुझे बलिदान चाहिए, बलिदान की फीलिंग अंदर होती है, बाहर, और जो बाहर निकाल दिया ना वो तो जाएगा ही नहीं. Correct. जो चुप रहते हैं, मुझे याद है मेरा एक कोर्समेट है, he is in para SF only. Like lot of my coursemates are in para SF. I would tell you, he was in Oscar. I won't name that officer because SFT officers कैसे नाम नहीं ले सकता. He was an ex-Oscar. You won't believe. Normal हम जब भागने जाते थे ना पनिशमेंट के लिए या कहीं पे, हम लोगों ने सोचो, हम लोगों को कैंप के प्रैक्टिस के लिए हमें जो 17-18 केजी या 14 केजी जो भी बैटल लोड है वो दे दिया, 14 केजी ये लो, 14.5 केजी राइफल लो और चलो. वो प्रैक्टिस में भी 14.5 केजी के बाद अलग से पत्थर भर के उसको 20-22 केजी करके भागता था, और किसी को बताता नहीं था. Exactly. किसी को बताता नहीं था. एंड वी नेवर न्यू इट दैट ही वाज डूइंग इट. वन डे व्हाट हैपेंड, मुझे पनिशमेंट मतलब मिला तो मुझे बोला यार वेयर योर पैक एंड कम. तो मैं उसके कमरे में गया, मैं उसका कमरा खुला था, तो मैंने बोला यार इसका पैक लेके चला जाता. पैक उठाने गया, मैं बोला अबे ये तो नॉर्मल पैक नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा भारी है, ये कौन सा पैक है. जब मैंने खोला, देना आई सॉ दैट ही हैज स्टोन्स इनसाइड, उसने पत्थर भर रखा है. और बाद में मैंने जब उससे पूछा यार तेरे उसमें पत्थर था, बोला हाँ यार मैं उसी के साथ भागता हूँ. सो सी ही इज नॉट, ही वॉज नॉट गोइंग अराउंड टेलिंग एवरीबडी यार मैं पत्थर लेके भागता हूँ, मुझे पैरा जाना है. You never know, one amongst you, na, the ones who speaks the least about SF are the ones who goes to SF. This is the as simple thing. As that. This is the same thing, Rudra. I've seen Major Jacobs, aapke interviews aapne dekhe honge, YouTube par hai, Nimrit sir ke hai. Haan. They ye kabhi advertise nahi karte the, but they, wo ye ki, they were not advertising. So that is what I've seen. And like in a class, the AI was explaining ki, आजकल हम UCAV, UAV वॉरफेयर की बात करें तो जितना ऑल दीज यूनिट्स बीट इन्फेंट्री सिग्नल्स ईएमई इंजीनियर्स आर्मर्ड ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कलेक्टिवली काम करता है. बट वो ये करेक्ट प्रोबेबली अभी लोगों को नॉलेज भी नहीं है. अभी तुम जाओगे एकेडमी में, अचानक सडनली यू विल फाइंड एन ऑफिसर हु इज वेरी वेरी इन्फ्लुएंसिंग, एंड आपको लगेगा यार मुझे अब तो मुझे आर्मर्ड ही जाना है. हाँ करेक्ट. फिर suddenly you will find an artillery officer and he will tell you certain stories and you will be like ab to mujhe arty jana. To dekho ye jo para SF SF decide mat karo. And ek cheez bata do, life mein do kisam ke insaan hote, ek jo batate ki mera sapna ye hai aur ek wo insaan hai jo baad mein batate ki mera ye hamesha se sapna tha and today I have done it. So be that person ki mera ye sapna tha and I am living it. Don't be that person ki mera ye sapna hai, mujhe ye karna hai, mujhe ye, itna advertise mat karo. Keep doing your work, keep doing your bit, keep clearing your exams, keep training hard. Jana hoga para SF to aap final day mein form mein bhar doge. Aur agar kitna bhi bol lo balidan chahiye, ye chahiye, wo chahiye, life mein na time sab kuch badal deta. I will not name the my coursemate or the one of the seniors. So he was filling one of the units, you know, in the declassification form, the as adju game assistant adjutant, and he said so AC are not filling the paras. Wo baad mein aaya yaar bahut pressure ho gaya hai yaar para nahi ka. Yeah, yes. There are acha jaisa maine bataya ki kuch log bina bataye le lete hain, kuch log aise bhi hote hain jinka aapko pehle din se pata hota hai ki para lenge aur final day aapko dikhta hai abe AC mein chala gaya. So see, bahut hota hai ye, बहुत. तो ये बहुत होगा, ये एक ऐसा रेस है जहाँ पे महाभारत से ज्यादा आपको षड्यंत्र देखने को मिलेगा. true. तो आप ज्यादा इतना भावुक मत हो जाओ. जो भावुक है वो इतना बोलेगा नहीं, क्योंकि इमोशन है ना, इट्स अ फॉर्म दैट स्टेज इनसाइड, दैट इज नॉट फॉर एडवर्टाइजिंग. रुद्र, मैंने जनरली देखा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग देयर वर सीनियर्स हु मतलब जो रेगुलर रगड़ा देते थे, कुछ बात करते थे, कुछ एक थे
who were not concerned about game final term mein with the giving ragda or anything, very focused on completing there. Ye bhi nahi ki matlab cross country enclosures mein first aa rahe hain, third, fourth, giving their maximum. And these were the person jo kabhi advertise nahi karte the, SF lete. Correct. Because, you know, they never wanted to prove anything to anybody. Correct. उनके लिए ये नहीं था कि मुझे लोग समझे, मुझे लोग जाने. इट्स सिंपल. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा. जितने लोग हमेशा, मतलब कोई भी एक चीज बताऊं, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो हमेशा बोलते रहेंगे मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ. अगर आप जाके देखोगे ना, ये अपने मम्मी पापा से बदतमीजी करते होंगे. तभी सबको बताते फिरते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, ताकि जब कल को कुछ प्रॉब्लम हो तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं यार, ये तो प्यार करता था, ये पहले से ही बता के रख रहे. और जो सच में मम्मी पापा से प्यार करता है, आपको किसी को जाके बताने की जरूरत है क्या कि मैं मम्मी पापा से प्यार करता हूँ? हाँ, कि मैं तो अपने मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए भगवान है. भाई अबे तुम्हारा भगवान है तो तुम किसी को बताने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. तो सेम चीज विथ SF एंड सेम चीज विथ लाइफ. जो तुमको करना है तुमको करना है, तुमको बताने की जरूरत नहीं. ठीक है रुद्र, ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर हम जब लेफ्टिनेंट बन जाएंगे तो हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी क्या? तुम लेफ्टिनेंट बन जाओगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी. अबे अभी तक हमको नहीं मिल पाई, तुमको बड़ी मिल जाएगी. मैंने डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है, फोकस्ड रहोगे तो मिल जाएगी. हमारे जैसे ऐसे इधर उधर भटके फिरोगे कभी नहीं मिलेगी. नहीं नहीं मिल जाएगी यार, ऑफ कोर्स, इफ यू बिकम एन ऑफिसर देन. रुद्र जी की ऑलरेडी इज अ वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट लुकिंग पर्सन, सो इस क्वेश्चन पर प्लीज उनको, मुझे लगता है एनडीए के डेज में भी आई एम वेरी श्योर फर्ग्यूसन कॉलेज से भी कोई पक्का मिलने जरूर आया होगा. यही तो, यही पे तो मैं मार खा गया. मैं बताता हूँ मैं कैसा, मैं मेरा ना एक तरीका था, मैं कैसा इंसान था. जैसे आर आई एम सी में हूँ, मैं किसी कॉलेज में गया, सपोज किसी और स्कूल में गया, वेलम गर्ल्स या कहीं पे, तो सपोज देयर इज अ फेस्ट और सम कंपटीशन, मैंने देखा अरे वो लड़की कितनी सुंदर है यार, हा हा हा, प्यार हो गया मुझे. क्योंकि क्या होता है ना, बचपन में बहुत जल्दी प्यार हो जाता था. correct, correct, और correct. खास करके जो बॉय स्कूल के लड़के हैं, जैसे हमारे आरएमसी वाले, किसी को देख भी लिया ना उतने में शादी कर लेते थे. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैंने देखा कि यार वो लड़की बहुत सुंदर है यार, मुझे उससे हा 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 प्यार है यार, अब मुझे किसी भी तरह बस उससे बात कर ली. ये मेरा अंदर ही अंदर सोच है. अचानक मैंने देखा, जितने देर में मैं सोच रहा हूँ, आधे घंटे एक घंटे तक सोच ही रहा हूँ, तब तक कोई और लड़का है उससे बात कर रहा है. तब मैं सोचता था ओ, अब मेरा सोच बदल गया. अब मैं सोच रहा हूँ उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, हो सकता है वो पहली बार अप्रोच किया हो, मुझे नहीं पता. लेकिन मेरे मन में स्टोरी चल रही है कि नहीं यार, इसको ऑलरेडी कोई है, देखो वो कितनी हंस रही है, कितनी खुश है. आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी. तो मैं अपने बगल वाले से पूछता था, भाई ये बता दे खाना किधर है, जल्दी बता. क्योंकि मुझे एक चीज पता है, लड़की को जाके पूछूंगा एक्सक्यूज मी कैन आई हैव योर नंबर, वो बोल सकती है नो. गुलाब जामुन को जाके बोलूंगा भाई खाना है, वो बोलेगा खा ले और खा ले. सो मुझे पहले से पता था, मेरे आइडियाज क्लियर थे, वो अलग बात है, इसीलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया. लेकिन मैं ऐसा सोचता था. और फिर मैं जब मैं खाता था तो मेरा तो ऑलरेडी उधर ब्रेकअप हो चुका था मनी मन में. फिर मैं खाता था, so by the time I had my desserts, ये गुलाब जामुन आइसक्रीम या चॉकलेट पेस्ट्री या कुछ, I was over her. तो मेरा लाइफ लव स्टोरी ऐसे शुरू होके बहुत जल्दी खत्म हो जाता था. तो गुलाब जामुन के ऊपर मैं ऐसे बहुत लड़कियां जिनको मैंने बहुत पसंद किया, कभी बता नहीं पाया, जाके बोला ही नहीं. तो ऐसा है लाइफ में, देखो प्रायोरिटीज है. अब मैं एनडीए में भी, मुझे yes, he was right. Ferguson से भी I had friends. They also asked me कि यार चलते हैं बाहर. अब मैं ये सोचता था, देखो इंडिया में एक संडे मिल रहा है, 500 रुपए ही है मेरे पास, पैसे तो इतने है नहीं. अगर मैं अब इनके साथ गया तो, अगर सोचो हमने मूवी देखी तो 300 रुपए मूवी के चले जाएंगे, और अगर पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा लिया तो 500 तो वो 400 चले जाएंगे, तो 400 450 चला जाएगा, बाकी तो जाने आने का ऑटो वोटो, मतलब वही बस. तो मैं सोचता था यार, फिर मैं अगर इसका मूवी का टिकट बचा लेता हूँ तो मेरा बटर चिकन और नान हो जाए. तो ऐसा करते हैं,
उसको मैं बताता था देखो मेरा आज पनिशमेंट है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो मैं बाहर जाके मूवी देख के खाना खा के वापस आ जाता था। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल गेट वन। बहुत कोई थे जिनको इंडिया से दे गॉट गर्लफ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, ठीक है, और बहुत कोई थे जो जिनको नहीं मिली। बट या इफ यू बिकम एन ऑफिसर, और अगर तुमको ऑफिसर के बाद ऑफिसर बन के गर्लफ्रेंड चाहिए, तो भाई देखो तुम जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मैं तुमको बता दूं तुम भी ऐसे बहुत सालों बाद ऐसे ही बैठ के मेरी तरह चर्चा कर रहे होंगे, तुमको तो नहीं मिलेगा। ये जितने नहीं पूछने वाले हैं ना वो लेके चले जाते हैं गर्लफ्रेंड, और जो ये पूछने वाले हैं वो पूछते ही रहते, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सर गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, लेकिन तरीका बताने पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो we have just reached the last part of the interview. Before I move to the acting side, one thing, you had a very good career in the army also after getting commissioned through the IMA and obviously being the alumnus of India. How were the 7 years in the army, in the counter insurgency and various postings you had? How were the experience in the serving years? I had a wonderful experience. My best experience was Kashmir only. Where I was in Jhangar sector and Machil sector. Machil sector is very active sector. So, वहाँ पे हमने काफी मतलब we had lot of you know. I've also been posted with like I was with the IB at one point of time before joining the An Academy. So I've also been part of Machil, Handwara, Pulwama, and you know all these. So sectors. You know Machil. Right, very well. So where were you in Machil sector? I was in you know 0.3850, then uske baad aage Bajjar wali post. So I was basically at Gurez, theek hai, to post ka naam to main nahi bata paunga, wo to nahi bata paunga, you also already know that. Correct. So Machil mein I was in Machil, and Machil was one of the best experience because I think wahi baat hai na, jo aapke toughest डेज होते हैं वही आपके बेस्ट मेमोरीज होते हैं। करेक्ट। एंड एक्चुअली इट वाज बेस्ट बिकॉज़ आई हैड अ लॉट, आई मीन इवन बेस्ट वाज झांगड़ एंड देन मच्छल, बिकॉज़ झांगड़ द ऑफिसर लॉट वाज अमेजिंग, आई हैड अ वंडरफुल टेन्योर, एंड सिमिलरली इन मच्छल द ऑफिसर्स दैट आई सर्वड अंडर दे वर वंडरफुल, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। एंड वही चीज है ना, जब आपका टफ टाइम्स होता है ना, और आप क्या होता है कि ना आपके पास फोन है, ना कुछ है, ना नेटवर्क है, and all you do is you pick up your 4G line and you call your another guy on another post, another officer, aur aap usse raat bhar baatein kar rahe ho, to dekho kabhi kabhar isliye bhi girlfriend nahi milti hai kyunki hum log senior se hi baatein karte rehte hain. so yeah, I think that was a very good tenure. In that I also got to do a very interesting tenure of convoy commander from Srinagar to Banihal and back, Srinagar to Sonmarg and back. So I did convoy commander bhi kiya. So those were like amazing experiences. I really cherish them. Uske baad to then I was back to Ordnance Corps. So Ordnance Corps mein I had a fairly very easy time and very good time. Again, the work culture and the work thing is very difficult because physically and life threatening wise it is much more challenging when you are in infantry or you are in the field, but in the core it's much more mentally challenging because correct. The work that you are doing, you are basically supporting the people who are ahead. So unke liye aur wo jo kaam karna padta hai wo mentally zyada challenging tha, I believe, you know, as the core of ordnance, and or I have been in an EME battalion also. So I think wahan pe mental challenges were much more than what I had in Machil and all, kyunki wahan pe bindas matlab bas itna hai ki goli kha ke marna nahi hai aur kisi ko khane nahi dena bas, lekin yahan pe bahut sare technicalities, dealing with funds, then you know, dealing with so many things, papers and everything, it was much more mentally challenging. But yeah, both had their own challenges and I loved both of them, but I loved more in Machil and Jhangad. I know Machil, like I've also been part of Gurez, so ye jitne bhi basically border outpost or they're very close to the Pakistan's border, there's a very different correct. environment, and Rudra and me know that we cannot get into the technicalities because of the
मीडियम विच वी आर टॉकिंग अबाउट, बाकी आप जब जाओगे तो आपको पता लगेगा, अब पता चल जाए। रुद्र, ये जो मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ज्यादातर लोग आपसे ये पूछते होंगे कि व्हाई डिड यू लीव द आर्मी फॉर द एक्टिंग करियर, क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंट इन द सेंस बिकॉज आई हैव सीन माय वाइफ कमिंग आउट ऑफ द फोर्सेस। हाउ टफ वाज इट टू चूज अ पैशन फॉर द एक्टिंग करियर, बिकॉज आई डोंट वांट टू आस्क व्हाई, बट दिस इज सच अ करेजियस डिसीजन, स्पेसिफिकली रिम कोरियन एक्स एनडीए एक्स आईएमए, यू हैव एवरीथिंग ऑन द कार्ड्स, probably if you would have continued you would have gone to very higher ranks, you know, finished the DSSC and the NDA NDC courses. So how tough was this to choose specifically the passion of acting at that point of time? Or aisa bhi nahi hai that you have some matlab aapke jahan tak mujhe pata hai chacha wahan pe baithe hue hain pure Bollywood mein panch films wait kar rahi hai, to kitna difficult tha decision lena yaar? I think maine wahi bola na, it is like जैसे बोला ना कि एसएफ वाले कभी बोलते नहीं थे, करेक्ट करेक्ट, सिमिलरली मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आई वांटेड टू गो फॉर एक्टिंग, आई वांटेड टू बी इन बॉलीवुड, आई वाज ऑलवेज हैविंग दैट पैशन, मुझे अच्छा लगता था, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि यार मैंने आई हैव डन माय बिट फॉर द कंट्री, 7 इयर्स आई हैव सर्वड, सो दैट इज द टाइम आई रियलाइज दैट यू नो मेरा हमेशा से एक टेक रहा है कि लाइफ में आई मीन यू नो आई बिलीव इन मेनी बर्थ्स, इट्स ओके, बट एज रुद्राशीष मजुमदार और एज द पर्सन विद द सेम फिजिकल अपियरेंस और द सेम अमाउंट ऑफ टैलेंट और वट एवर यू कॉल, आई विल टेक बर्थ ओनली वंस, एंड इस लाइफ में मुझे जितना मैं मैक्सिमम कर सकूं लोगों के लिए या अपने लिए उतना मुझे करते रहना चाहिए, देर इज नो स्टॉपिंग. So now that I have done my bit for the country, I wanted to again try out something that I thought that I was good in. So yeah, it was not a difficult decision, because I'll tell you one thing, there is one thing very surprising about me. Main aisa hoon ki main sochta hoon, okay, mujhe acting karni hai. So within a month, I put up my papers. That's it. I did not have that hesitation. कि क्योंकि मैंने एक चीज लाइफ में रियलाइज किया, मैंने बताया ना कि मैं यू नो व्हेन एवरीडे बिकम्स अ स्ट्रगल यू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली ह्यूमन लाइफ में हर दिन आपका कोई ना कोई स्ट्रगल है, हर दिन कुछ ना कुछ आएगा, चाहे सिंपल से सिंपल चीज है कि यही डिसीजन में कि यार आज खाना क्या बने, करेक्ट करेक्ट, लेकिन एक स्ट्रगल है, तो जब ये स्ट्रगल है तो स्ट्रगल के बारे में सोचना कि मेरा कल को क्या स्ट्रगल होगा क्या चीज होगा विल ओनली स्टॉप यू, आपको मदद तो करेगा नहीं, और फ्यूचर का स्ट्रगल जो हम सोच के रखते हैं वो ऐसा भी नहीं है कि कल को जाके वैसा ही हो, सो इट्स बेटर, आई नेवर वरीड अबाउट कि मेरा क्या होगा क्या मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं, आई न्यू दैट यार आई वांट टू ट्राई, सो लेट्स गो फॉर इट, बाकी वंस आई ज्वाइन द इंडस्ट्री में देख लूंगा, सो दैट सर्वाइवल कि मुझे, और मुझे एक चीज पता है, रिमकोलियन हूं, एक्सएनडीए हूं, इंडियन आर्मी का ऑफिसर हूं, सर्वाइव तो मैं कर जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता, करेक्ट करेक्ट, विदाउट एनी डाउट आई एग्री विद 500%, या तो तब देन आई डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट, आई डिड पुट अप माय पेपर्स एंड इट वाज वेरी हार्ड, नोबडी वाज विलिंग टू लेट मी गो, ये बात तो है, और सबका ना यही कहना था कि जैसा आपने बोला यू आर रिमकोलियन यू आर एक्सएनडीए How can you leave? You have a bright future, वगैरह. Your CEO, और मेरा ये भी था कि मेरे my last CEO who I was serving with was a wonderful gentleman, Colonel RS Sidhu. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे जो ACR होता है वो भी दिया था, highest ही दिया था. So he was very shocked. He was like, अबे मैंने तुझे इतना highest दिया और तूने paper ही खत्म कर दिया. But that is where I realized, you know, कि अच्छे leader होते हैं. When he knew about my thing, he, you know, it is very difficult for your CEO to answer to your seniors ki ye ek officer kyun chhodna chahta hai. But he stood by me and he had the courage to tell everybody ki sir, iska passion hai. Aur is bande mein maine dekha hai, jo ye soch leta hai, in fact, even in my battalion, whatever he thought ki ise karna hai, he did it. ऐसे कुछ टास्क थे जो 5-6 साल से, जैसे बैकलोडिंग वगैरह ये सब होते हैं, मैं टेक्निकल टर्म ज्यादा यूज नहीं करूंगा, चीजें हो रही है, ये पड़े हुए हैं, ये नहीं हो रहे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, नोबडी इज एबल टू मूव इट, इसने सोचा था
आई थॉट दैट ही इज वेस्टिंग हिज टाइम, बट आज 1.5 साल बाद ही हैज डन इट. तो इसमें उतना वो है कि यू नो ही कैन गो फॉर इट, और अगर ये जाएगा तो ये कर सकता है. तो ही हैड दैट फेथ ऑन मी. तो मुझे हर स्टेप में इट वाज अ चैलेंज टू कन्विंस एवरीबडी, बट एट लास्ट व्हेन माय केस वेंट अप टिल जनरल बिपिन रावत, हु वाज दैट टाइम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड नाउ द सीडीएस, ही हर्ड माय स्टोरी एंड ही वाज लाइक, यार ये कौन सा बंदा है जो इतना अच्छा कर रहा है, इतना अच्छा लाइफ छोड़ के, एंड दुखी भी नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट सैड. मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत दुखी हो गया था, मैं फ्रस्ट्रेट. ही वॉज लाइक, जो इतना अच्छा कर रहा है और इतना मतलब अच्छा खुश भी है, हिज रिपोर्ट इज फाइन विद एवरीथिंग, बट ये जाके दोबारा से स्ट्रगल करना चाहता है. आई मीन आई वुड हैव अंडरस्टूड कि हाँ कॉर्पोरेट में अच्छा नौकरी लग गया, कहीं कुछ मिल गया, ही इज अ हाई फ्लाइंग समथिंग, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस कुछ कर, बट ये एक्टर बनना चाहता है. आई मीन ही वांट्स टू स्ट्रगल. डज ही हैव एनीबॉडी इन बॉलीवुड? तो मेरे सीईओ ने बोला सर ही हैज नो वन, इसका कोई नहीं है, लेकिन ये करना चाहता है. सो देन ही वाज इंप्रेस्ड एंड ही सेड दैट कि यार ऐसे बंदे को तो एक बार हमें जाने देना चाहिए. मे बी सच बोल रहा हो यार, शायद सच में इसका पैशन हो, बिकॉज some of them thought ki I was kidding, some of them were like ye jhoot bol ke nikalna chahta hai, acting kaun karega, correct, you know, jaake koi acha, because to be honest jis din maine fauj choda within 1 month, 1.5, within 1 year jab main kar raha tha in Bollywood, I was struggling, I got an offer from Aditya Birla Group to join as their security officer with a huge package. So you know people outside are looking for defense people, lekin mera motive wo nahi tha, I, and that's why they were surprised, kyunki ek application mein likhna that I want to pursue acting, I want to go to Bollywood, it takes courage. Sab aapko ye sochte ki yaar mazak, ye mazak bana raha hai, ye bas kuch nahi, kuch din mazay katna chahta hai, but then by the end of time wahi baat hota hai na, jab aap apne aap se itna convince hote ho, last tak log aapse convince ho hi jate hain. So yes, it took me 1 year to convince people. तब तक लोग सब मजाक सोचते थे, मेरे को देख के भी जोक मारते थे कि यार तू भी मजे ले रहा है फौज के. But at the end, CDS, I mean Chief of Army Staff, he said that let this guy go. Maybe he has that passion. वरना एक साल तक तो ये ऐसे नहीं लड़ता अपने application लेके, हर जगह नहीं जाता. So I think we should give him benefit of doubt and let him go. You never know if he has that kind of passion. तो जब मैंने छोड़ा है एंड आई एम डूइंग दैट, आई डिड नॉट गेट अवे फ्रॉम माय वर्ड्स, और बेटर ऑफर्स आल्सो कुड नॉट यू नो शिफ्ट मी फ्रॉम माय फोकस व्हाट आई हैव. सो वही चीज है कि लाइफ में आपको अगर सच में कुछ करना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. अगर आप अपने आप से ईमानदार हो, कर जाओगे. बाकी किस बात है? तो दिस इज द पैशन, एंड आप देखिए कितनी, फॉर इवन टू रुद्र लीविंग एंड it was not the case going to the current CDS and at that point of chief of army staff Bipin Rawat sahab tak case gaya hai. So it's not easy, and that's what you know jab main bol raha hu yahan par, you know, yesterday I even messaged him and I said, you know, that I was telling Divya that you know this guy could have been the next chief of the Indian army. So and that is what jab main ye baat bol raha hu to aap sochiye jab ye chhod rahe honge ye baat kitne logon ne boli hogi, because बहुत ही अच्छा सशक्त करियर रहा है रुद्र का, एंड मेजर साहब ने बहुत अच्छा करियर भी बनाया अपना, एंड दैट इज व्हाई द केस वेंट टिल द एट दैट टाइम ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द इवेंचुअल डिसीजन वाज टेकन एंड ही केम आउट. तो कितना ड्राइविंग पैशन था, और ऐसा नहीं है कि जब वो बाहर आए तो उनको दुनिया भर की करियर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी. आदित्य बिरला ग्रुप की इन्होंने बात करी, बट यस ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर एंड ही सर्टेनली डज सो. रुद्र, you've been part of a lot of web series and TV commercials and movies. What is any specific genre या फिर कोई specific role or someone you idolize जिस पर आप काम definitely करना चाहोगे? Yeah, definitely. Whenever I see movies like Puri, whenever I see movies, defense movies, I generally picture myself that I think, you know, that's something that I am really made for. वो मेरे को कुछ अलग, मेरे को एक्टिंग एक्सरसाइज नहीं करना है. लाइक आई टेल यू वन थिंग, व्हेन आई गॉट छिछोरे, इट वाज अ वेरी स्मॉल प्रेजेंस विद द बिगर एक्टर्स, बट यू नो इवन फॉर दैट आई रिड्यूस्ड 4 to 5 kgs टू लुक लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट ऑफ 90s एंड 80s, ताकि वो पतले दुबले और बच्चे जैसा मैं लगूं.
सो या आई लव टू वर्क ऑन माई कैरेक्टर्स, आई लव टू बी लाइक हाउ दे आर. फिर उसके बाद जर्सी के लिए भी मैंने आई एम अ लेफ्ट आर्म, आई एम अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड सिंस माई चाइल्ड हुड आई हैव बीन अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. I just want to say he's a Ranji player also. If you guys don't know, he is a Ranji player. No, no, no. Not a Ranji player. मैं बताता हूँ. मैं Ranji के squad में, I mean, I got selected in the reserve squad for services team. क्या होता है? Services team के first 15 आपके जाते हैं. 11 लोग खेलते हैं. पांच चार लोग reserve में, चार लोग bench में रहते हैं. और उसके अलावा पांच आपके reserve player select होते हैं कि if anybody gets injured, suppose I am a left arm spinner. A left arm spinner, if he gets injured, then I will get the call for the team. So I have been in that reserve bench. But yes, I played army team. Army team khela hai maine, which is a huge thing. Maine services ke liye bhi main reserve squad mein select hua tha. So I am a very good cricketer. Maine left arm spinner tha aur main right hand batsman tha. For jersey, maine स्पेशली महीनों महीनों तक पेस बॉलिंग पे अपना काम किया, जबकि इतना कुछ शायद दिखाए नहीं दिखाए मुझे नहीं पता, बट आई मेड श्योर दैट व्हेन आई विल बी सीन इन जर्सी बॉलिंग बॉलिंग एज अ पेसर, नोबडी वुड बी एबल टू टेल दैट कि यू नो ये स्पिनर है. मैंने उतना काम किया है क्योंकि मेरे लिए फॉर मी नथिंग इज कि ये तो यार इतना सा ही है, मुझे तो इतना सा ही मौका मिल. इवन इन मिसेस अंडर कवर I will have a 30 seconds, 40 seconds or 1 minute presence. But for me, I believe ki asking for 10 minutes or 20 minutes is the wrong thing to do. Rather, wo ek minute aisa karo ki logo ko yaad reh jaye aur phir logo ko lage ki yaar ye agar ek minute mein aisa kar sakta hai to isko agar humne 3 ghanta de diya to kya hi kar dega ye. Exactly. Theek hai? So, you never ask people to give you what you want. You, whatever they give you, you make something so bigger out of it that they realize that I have to give him more aur ye mere ko kuch laake dega. So, yeah, main kaam karta hu and I am really looking forward to sports related movies. I am really looking forward to army related movies. And also, I am very much inclined towards playing, you know, a negative character. I am very much inclined ki mujhe negative character play karna hai and I also want to play a negative character with a positive character with lot of negativity in his life. Matlab hota hai na villainous hero, wo mujhe bahut pasand hai. So yeah, I want to play negative because that is something that I have never been in my life. Main negative approach ke sath nahi jiya hu, negativity mere life mein raha nahi hai. So I want to be in that zone because if I am an actor, I want to explore every possibility. So I want to go for a negative character where I can convince people ki haan yaar ye banda dikhta bhola hai lekin ek number ka kharab insaan hai. By the time they come out of the theater, they should be able to hate me. Main aisa character bhi karna chahta hu. So yeah, I have my choices and I just want to go about, as of now I don't have choices to select scripts because as of now I'm just giving auditions jo mujhe bataya jata hai ki you know even a smaller thing I want to work on, it's more than enough for me. But yeah, slowly when my time will come, I will definitely select things that will interest me more and I believe that which I can convince people that yes, I can do that. So, and yeah, for me as an actor, I'm going to explore all the varieties that is possible. So that's it. Any specific director or actor or actress you idolize ki probably say Nawazuddin or Pankaj Tripathi or anyone which you really want to work? Is there any someone? Yes, I really want to work with Pankaj Tripathi. So yes. I think and I am very lucky because see I have worked with some of the people that I admired. I got to work with Sushant. I got to work with Varun Sharma, Chucha. I got to work with Tahir Raj Bhasin. These are the people I really liked a lot. Theek hai? And honestly, one of my favorite director was, is Mr. Nitesh Tiwari. And my first movie was with him. So I am very, very lucky to have worked with him because a director who directed Dangal, uske baad unki next movie mein aap feature karna, it's a big thing. Theek hai? Bahut badi baat hai. So yeah, in the future, I would love to work with him because वो मेरे पहले डायरेक्टर थे जहां मैं कुछ भी नहीं था एंड स्टिल ही गेव मी दैट स्पेस टू परफॉर्म हाउएवर आई वांटेड टू. सो टुमारो व्हेनेवर आई एम समथिंग आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क
for him and tell him that, sir, I am extremely grateful to you. And I will always be grateful to him for giving me that one opportunity. And also, you know, Jersey, mein, I have been really lucky to work with Shahid and Pankaj Kapoor, sir. Both are brilliant actors. आप सोच सकते हो एक्टिंग का लेवल मैं मतलब मैं क्या देख रहा हूँ यार. एक चीज है, एकेडमी में भी आप वही सीखते हो जैसे आपके सीनियर्स है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई एम सो लकी टू बी अराउंड सच गुड एक्टर्स कि यार आप बिलीव नहीं करोगे द वे दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम देम. आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव लर्नड फ्रॉम देम एंड देन यू नो आई एम गेटिंग रेडी टू अनलीश दैट द डे आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी. सो या these and actress mein I would love to work with Shraddha Kapoor because I saw her on the sets of Chichore and I was like ek din zarur. So yeah, that's it. Baki to it's all luck, I told you. Let's see kahan le jati hai kismat. So aap dekhiye ki the basic core principles of Major Rudrashis, which he picked up from RIMCO, NDA, IMA, and continued in the services, respecting the seniors, learning from the seniors. And today, those seniors have become the senior actors, senior directors, and the respect continuously goes on. He still says that if I get the chance to work with the director of Chichore again, that would be his contribution to the director. And he still feels, you know, the gratitude towards the directors and the senior actors. The game still continues. So, the core principles. रिमको में स्टार्ट हुए, एनडीए में बने, आईएमए में बने, वो एक्टिंग करियर में भी कंटिन्यू हो रहे हैं एंड दो सेम कोर प्रिंसिपल्स प्रोबब्ली दिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैव सीन इट. लास्ट क्वेश्चन रुद्र, इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग इंटरव्यू. मैंने आपका बहुत वेरी लॉन्ग सेशन, या आई एम अभी तो मुझे भूख भी लग गई है. ठीक है, कि द क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स. आई ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन बट आई स्टिल वांट टू आस्क, डू यू मिस योर आर्मी डेज? एंड सेकंड इज दैट what separates a candidate who is able to join the forces and who is not able to join the forces? Okay, so basically as far as missing the forces is concerned, I think it might be surprising. I don't miss the forces, but I miss the people in the forces. Correct, correct. They are good people. I've always missed them, and I don't miss it because in life I have always learned. I mean, since my RIMC days, I learned, I mean, due to my best friend Manjeet Kataria. He is no more, but he taught me one thing. Past se kuch milega nahi, future ka tumko pata nahi. Present mein jiyo. So I have always lived in the present. When I was there in the forces, I enjoyed it to the most. I have no regrets about it. When I am in the acting industry, I'm enjoying this struggle to the most. I am not at all that kind of a person who will be like, yaar, forces mein bahut maza aata tha. No. I have enjoyed that bit. Now I am enjoying this bit because I believe that, you know, you miss certain things when you are not living in your present. जब आप इस वक्त को जी नहीं रहे हो, तभी आप उस वक्त को miss करते हो. Correct, correct. तो मैं इस वक्त को खुल के जी रहा हूँ, so I actually don't miss forces, and I have never missed things in life much. So that's one thing about me. थोड़ा अजीब सा है, but that's how I am. And नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, मेरा एक और चीज है, मैं ना बोलते बोलते दूसरा क्वेश्चन भूल जाता हूँ, तो सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था, व्हाट इज वन थिंग व्हिच विल सेपरेट अ कैंडिडेट हु विल जॉइन द फोर्सेस टू द पर्सन हु हु कैन नॉट और हु कुड नॉट. करेक्ट करेक्ट. आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट लाइफ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होता है ना कि रूटीन बिल्ड्स अ ह्यूमन बीइंग. इफ यू फॉलो अ सर्टेन पैटर्न ऑफ रूटीन, certain discipline, certain ethos, certain values, तो वो आपको इंसान सही बना देती है. अगर आप वो सिविल लाइफ में फॉलो करते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है ना, आपका एनवायरमेंट ऐसा हो जाता है कि वो आप फॉलो कर नहीं पाते. सो इफ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ फौज, यू बेसिकली लर्न दैट हाउ इम्पोर्टेंट एवरी डे इज, बिकॉज आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा वेर यू नो दैट देर माइट नॉट बी अ टूमोरो. Where you can, you know, you are going through a situation where आपको हमेशा, मैंने बोला ना कि आपको ये भी पता होता है कि life risk है, बहुत कुछ है. So every day of your life becomes important to you, and as a फौजी candidate, you live every day. You don't try to live, you know,
बाई द मंथ और बाई द कि मैं सैटरडे संडे के लिए लुक फॉरवर्ड नहीं करता हूँ. आई एम नॉट द पर्सन. आई एम फौजीज आर दोज पर्सन हु work work there, you know, they burn their burn themselves in the offices or everything, but when they come back to the mess, they want to have a drink and they want to enjoy that night. Correct. wo raat tak enjoy karke 1:30 baje tak baat karke agle din subah 6 baje PPT chale jayenge. wo Saturday Sunday ka intezar nahi hai. 5:30 baje utke BPT bhi kar lenge. BPT bhi kar lenge. तो उनको सैटरडे संडे का इंतजार नहीं है. तो ये जो इंतजार है ना अच्छे टाइम का, वीकेंड का, ये करना छोड़ दो. उसी दिन काम करो, थक गए हो, लेकिन रात को जो मौका मिलता है टू डू एवरीथिंग दैट यू लव टू. इफ यू लव वाचिंग नेटफ्लिक्स, उस दिन कोई देखो नेटफ्लिक्स में सीरीज. अगर आपको फैमिली टाइम पसंद है तो जाके बात करो अपने फैमिली वालों से, बट डू इट दैट डे. एंड आई थिंक दैट्स द डिफरेंस दैट फौज टीचेस यू. करेक्ट. एंड अ कैंडिडेट हु इज नॉट फ्रॉम फौज, वो ये सीख नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यू नो मेरा जॉब है, आज का दिन मैं वेट कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ. फौजी ना सेविंग भी कम करते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, एंड यू नो सेविंग होती रहती है, बट दे लिव एवरी डे. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग. यस, डिसिप्लिन आपको डिसिप्लिन सिखा देता है. एज सून एज यू आर डिसिप्लिन्ड, एनी बैटल और एनी थिंग becomes 10 times easier. Any preparation, be it acting, be it in the field of corporate, be it any field. Kyunki dekho pehle main shayad nahi bata sakta tha, fauj mein tha to discipline to kaam aa hi raha tha, but main abhi aake main dekh raha hu ki fauj ka discipline na fauj mein kam kaam aata hai, bahar zyada kaam aata hai. Correct, correct. क्योंकि क्या है, फौज में सभी disciplined है, तो तुम disciplined हो तो तुमको कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे वाह 5:30 बजे उठ के आ गया. तुम 5:30 बजे उठ जाओ तो वो बोलेगा हाँ तो हम सभी उठ रहे, तू भी उठ रहे, क्या दिक्कत है. लेकिन अगर तुम बाहर 5:30 बजे उठ रहे हो, पीपल आर लाइक यार ये देखो कितना अर्ली स्टार्ट कर देता है. सो यू नो इट इज मोर हेल्पफुल, द रूटीन ऑफ फौज इज मोर हेल्पफुल आउटसाइड देन इन फौज. सो या आई एम यूटिलाइज. बाहर तो ये भी है कि आप काम कर रहे हो, जो दिया हुआ है वो भी बड़ी बात हो जाती है कि जो काम दिया है वो पूरा कर दिया आपने, ठीक है, टाइम पे. सो मेजर रोजर शीश हैज मतलब इतना लंबा इंटरव्यू रहा है और इन्होंने इतने सारे पॉइंटर्स पर बात करी है, रिमको, एनडीए, आईएमए, कमिशनिंग, ट्रेनिंग, कमिंग आउट ऑफ द फोर्सेस एंड देन द स्ट्रगल ही इज गोइंग थ्रू एंड ही इज एक्सेप्टिंग द स्ट्रगल ही इज गोइंग थ्रू. डे टू डे स्ट्रगल है, ऐसा नहीं उनके पास कोई 200-250 ऑफर पड़े हुए हैं. राइट नाउ ही इज वर्किंग फॉर एवरी डे दैट कंटिन्यूस. वो जो रिमको के टाइम पे स्ट्रगल थी, एनडीए के टाइम पे थी, ही स्टिल कंटिन्यूइंग एंड वी विश हिम ऑल द लक. एंड जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सर की जो भी मूवी आएगी पहले ही पहुंच जाना टिकट लेकर, ठीक है. दिस इज द हां और आई मीन जितने भी देख रहे हैं, पहली बात तो मुझे Instagram में फॉलो कर लेना, क्योंकि इट हेल्प्स. हां करेक्ट. हैविंग अ सोशल मीडिया यू नो लॉट ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स हेल्प्स यू एज एन एक्टर बिकॉज़ योर वैल्यू गोस अप. आल्सो मेरा भी एक आई हैव अ YouTube चैनल जहां पे मैं वो किस्से डालता रहता हूं. सो दे कैन सब्सक्राइब टू दैट. You can mention that channel. हाँ, मेरी मूवी जरूर देखना. और मैं कुछ भी करूँ, वो क्या होता है ना, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, अभी तो हॉल खुल नहीं रहे, अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हो तो बाहर निकल के ना एक इंटरव्यूअर खड़ा रहता है, मुझे नोटिस नहीं भी करोगे तो भी बोल देना कि यार वो रुद्रा सर ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है. अच्छा नहीं, ये मैं मजाक कर रहा था, बट डू एंजॉय माई मूवीज एंड आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ छिछोरे, विच आई एम श्योर दैट इट्स अ बिग हिट. It's a brilliant thing. I mean, it won national award, and also I'm part of Jersey, jiska Telugu version has also won national award. So my first two movies, they won national awards. So I am really lucky. You will actually enjoy the movies. When are we expecting the Jersey Hindi version coming? Jersey Hindi version is actually expected to be November this year. That is 11th of November. It's a Diwali release. So let's see, it does not change because now people are planning to go for an OTT release because you know wo hall wala system abhi khul ha mushkil ho raha hai. So let's see. Correct. So yahan par main sir ka Instagram handle aur sir ka jo aapke major sahab ka Twitter Instagram handle aur YouTube handle dal dunga. YouTube handle dal dunga. So do subscribe to it and do follow him on Instagram specifically for a new actor, it definitely helps. आपने देखा ही होगा कितने सारे followers होते हैं Instagram पे, बहुत सारी post डालते हैं,
एनडीए के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, आईएमए के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ही कीप्स मोटिवेटिंग देम, सो प्लीज फॉलो हिम एंड आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा और इनकी जल्दी से जल्दी अच्छी मूवीज आए एंड आई एम श्योर हिम इज वन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी विल सून आल्सो कम. I'm very sure this will happen. और उसमें यही हो तो ज्यादा सही रहेगा. ठीक है, तो थैंक यू एंड फिर दोबारा जब इंटरव्यू करें आई वॉन्ट की आपकी 8-10 मूवी आ गई हो और आप उससे बात कर सके. आई वुड लव दैट. I would love that. I really enjoyed this interview. A lot of questions that I have not answered before has been asked to me. So I really enjoyed it. Correct, correct. Thank you very much and Jai Hind. Thank you. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe. And do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.